वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई नेम इज अमित वर्दी किलोर एंड टूडे वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग न्यू सीरीज द पर्पज इज ऑब्वियसली वेरी क्लियर दैट वी विल कंप्लीट द होल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम हम बिल्कुल जल्दी से एजेंडा ऑफ द डे पे आते हैं जो हमें करना है हमारा जो यू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसके प्रीलिम्स और मेंस सिलेबस के अंदर पॉलिटी की जो इंपॉर्टेंस है उसको देखते हैं इफ़ यू विल चेक द जी एस पेपर वन सिलेबस जनरल स्टडीज पेपर वन का जो सिलेबस देखेंगे सो देर आर एग्जैक्टली सेवन टॉपिक्स जो कि यू की नोटिफिकेशन में दिए जाते हैं करंट अफेयर्स हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट एनवायरमेंट एंड जनरल साइंस एंड उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट वाला है विच इज कॉल्ड एज द इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारे जो प्रिलिम्स हैं जिसमें जनरल स्टडीज़ के पेपर वन में सौ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, मतलब कि हर साल कम से कम नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टीन क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं इफ़ यू गो गो टू द मेन्स सिलेबस अगर हम जनरल स्टडीज़ पेपर uh, चारों पेपरों का मेंस का सिलेबस देखेंगे तो जीएस पेपर टू जो है वो स्पेसिफिकली पॉलिटी के ऊपर ही कंसंट्रेटेड है उसके पहले जो आठ टॉपिक है वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एसोसिएटेड है स्टार्टिंग विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एवोल्यूशन फीचर्स

ये एक पर्टिकुलर लॉ है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता है परंतु ऑब्वियसली पॉलिटी और गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है देन अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उनके पावर्स और फंक्शंस स्टेटूटरी रेगुलेटरी एंड द वेस जुडिशियल बॉडीज जो कि डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है बट येस पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है मतलब कि फंडामेंटली अगर हम सोचें तो जो जनरल स्टडीज का पेपर टू है वो मोर और लेस पॉलिटी और गवर्नेंस के ऊपर बेस्ड है इसके अलावा एक इसके अंदर एक्स्ट्रा पार्ट आता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल relations right that is an added 70 to 80 marks of the question those are specifically asked from it अभी हम देखेंगे अगर हम पॉलिटी के क्वेश्चंस जो कि 2023 जो 2013 से 2022 के प्रीलिम्स में अगर पूछे गए हैं तो हमें बहुत क्लैरिटी से दिखता है कि अप्रॉक्सिमेटली 15 क्वेश्चंस हर साल पॉलिटी के पूछे जाते हैं जैसे कि 2013 में 15 क्वेश्चंस थे जस्ट अ सेक माय फेलोस हम्म 2013 में 15 क्वेश्चंस थे एंड अगेन 2014 में 14 क्वेश्चन है 2015 में 14 हैं 2016 में पॉलिटी के क्वेश्चन ड्रेस्टिकली होकर सिर्फ और सिर्फ आठ क्वेश्चंस पूछे गए थे लेकिन नेक्स्ट ईयर शायद एज अ एजनसेशन मोर देन 22 टू क्वेश्चन इन प्रम्स वो डायरेक्टली आस्ट फ्रॉम दी पॉलिटी 22 क्वेश्चंस का मतलब है 100 क्वेश्चंस में से पॉलिटी के जीएस पेपर वन में 100 क्वेश्चंस आते हैं और 22 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी से पूछे गए थे देन इन 2018 14 19 में भी 14 2020 में 15 2021 में 15 2022 का नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 2022 में एग्जैक्टली exactly 10 क्वेश्चन आए थे मोर देन 10 क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी ने स्पेसिफिकली पॉलिटी से पूछे थे अब 2023 का जो एग्जाम है दैट विल ऑब्वियसली डिपेंड कि उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं मतलब दिस ग्राफ एक्चुअली यू एन वेरी क्लियर आइडिया कि पॉलिटी और गवर्नेंस का पर्टिकुलर टॉपिक है यूपीएससी प्रियम अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टीन क्वेश्चन ऊपर नीचे कभी कभी किसी साल वेरी ड्रेस्टिकली पूरे एक डेकेड में कोई ऐसा भी होता है कि सिर्फ दस क्वेश्चन पूछ दिए गए बट देन देर ऑब्वियसली सुपर हाइज ऑल्सो ज ए चैप्टर दिस इज अब्जेक्ट टॉपिक सिलेबस का ऐसा टॉपिक है जो कि हमें कॉम्प्रसिवली बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए ना वेरी क्लियरली स्पीकिंग क्वेश्चन है हर साल पंद्रह बीस अठारह बाईस दस अगले साल जैसे कि सोलह सत्रह पूछे जाएंगे जितने भी पूछे जाएंगे ये सिंगल हैंडेडली इस सिंगल बुक से डुएबल है मतलब की अगर आप ये इंडियन पॉलिटी की एक रेफर्ड बुक होती है एम लक्ष्मीकांत अगर हम इस किताब को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर ले इसको ध्यान से पढ़ ले इसकी कुछ मल्टीपल रिविजन कर ले और इनफ ऑफ दी एमसीक्यूज पॉलिटी प्रैक्टिस एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर ले सो ऑल ऑफ क्वेश्चन जो कि हमने देखे हैं ये सारे के सारे सॉल्वेबल है ये देर बी वन और टू क्वेश्चन जो कि हो सकता है थोड़े से आउटसाइड या आउट ऑफ द बॉक्स पूछ ले जाते हैं बट येस दिस बुक इज फंडामेंटली मोर मोरलेस लेस कैन कंप्लीट योर प्रिलिम्स यूपीएससी पॉलिटी प्रिपरेशन इस सीरीज के द्वारा हम इसी बुक को एम लक्ष्मीकांत की पूरी की पूरी बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पॉलिटी हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे से दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है ऑलमोस्ट हर स्टेट पीसीएस एग्जाम के अंदर हर स्टेट पीसीएस एग्जाम के अंदर एसएससी एग्जाम्स के अंदर बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर आरबीआई के एग्जाम्स के अंदर ईपीएफओ के एग्जाम्स के अंदर एंड अदर काउंटलेस कॉम्पिटेटिव डे एग्जाम्स जो होते हैं इनवेरिएबली उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी जो है हमेशा टेस्ट का पार्ट रहता है या उसको बेसिकली सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया जाता है ऑल ऑफ दो एग्जाम्स का जो पॉलिटी का सेक्शन uh, है वो बेसिकली इस बुक से कवर्ड है सो so, ये बुक कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब uh, का एस्पिरेंट है या कोई भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता है उसको एक प्रकार से पढ़नी चाहिए अगर जरूर क्योंकि अगर वो एग्जाम देना चाहता है तो सो दिस बुक विल बी क्लियर थ्रू दिस सीरीज आप इस uh, सीरीज को करते हुए आपको जरूरत पड़ेगी कभी ना कभी इन पी को एक्सेस करने की अगर आप ये पीडीएफ्स एक्सेस करना चाहते हैं जो इस क्लास में हम यूज करेंगे वो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगी आई शेयर ऑल द पीडीएफ्स ऑफ दिस क्लासेस ऑन दिस टेलीग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ अमित किलोर विल ऑल्सो शेयर द नोटिफिकेशन जैसे आज क्लास वन है सो क्लास टू थ्री जब भी आएगी क्लास तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी आपको अवेलेबल हो जाएगी सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल अगर आपको बेसिकली इन सारी क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो अब मैं आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जितने कॉम्प्रिहेंसिवली पॉसिबल हो बट इन केस देर आर सर्टेन डाउट्स जो कि आप क्लास में नहीं आए बाद में पढ़ते हुए रिवाइज करते हुए आए और आप मुझसे पूछना चाहते हैं सो आई एम एक्सेसिबल ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल आप मुझे यहां पर कभी कभी डीएम कर सकते हैं अपने डाउट्स के साथ अगर मैं आपका मैसेज पढ़ूंगा तो एल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल लेट्स बिगिन ऑन द मेन इशू हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा इस सीरीज का और इस किताब का बेसिकली मेन पर्पस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना है वी आर सपोज

का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1789 में बना था वो ह्यूजली ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल रहा है वर्ल्ड के ऊपर इट इज कॉल्ड एज दी वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा ने भी काफी जल्दी बना लिया था 1867 इफ वी सी न्यूजीलैंड 1852 हैड अर्ली स्टार्ट अर्जेंटीना 1853 1853 में अभी हमारे यहां पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ था बट इस

अब जो ये है, ये वर्ड अनरिटन है है थोड़ा सा मिसनोमर मिसनोमर कैसे कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटर्न ही होता है तो फर्क ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है लाइक एक सिंगल डॉक्यूमेंट है तो उसको रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और मल्टीपल अलग अलग डॉक्यूमेंट अलग अलग सालों में अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग जो आर्टिकल्स अगर कहीं और दूसरे लॉज में लिखे हुए हो तो उसको कहा जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन

यूनाइटेड किंगडम भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलता है वहां पर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है परंतु उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक सिंगल पीस ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है रादर कुछ लॉज हैं जो कि 1700 में लिखे गए थे कुछ लॉज हैं जो कि 1800 में कुछ और पुराने 1600 में लिखे गए थे सो so, मतलब इसीलिए अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि एक जगह नहीं है मल्टीपल है अलग अलग लॉज के बेसिस पे एंड वन ऑफ द वेरी फर्स्ट लॉज स्टार्टेड इन 1215 1215 में जो कि आज तक यूनाइटेड किंगडम में लागू है 1215 में ये जो लॉ है मैं इसके बारे में एक बार थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूं 1215 में क्या हुआ दिस थिंग स्टार्टेड 1215 में जो इंग्लैंड के राजा थे द किंग ऑफ द इंग्लैंड बेसिकली साइंड एन अग्रीमेंट एरिस्टोक्रेट्स ऑफ दैट टाइम सो किंग के बीच में और एरिस्टोक्रेट्स के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ एंड दैट अग्रीमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा उस एग्रीमेंट का नाम ही था मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा एक नाउन है क्योंकि उस अग्रीमेंट का नाम था पर आजकल ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज होता है क्यों? Because it a symbol. एक ना कार्टा जो, जो, जो कि 1215 में साइन हुआ था इंग्लैंड के अंदर वो आज भी कई जगह पर उसके कुछ जो प्रोविजंस हैं वो इंग्लैंड में आज भी लागू है

ंग इज बेसिकली ऑल पावरफुल एंटिटी ऑफ द लैंड वो लॉ है वो जो कहेगा वही जज होगा वही जुडिशरी है वही एग्जीक्यूटिव है वही गवर्नमेंट है मिलिट्री उसके इशारों पर चलती है वो जो भी कहेगा दैट इज बेसिकली द पॉसिबल बैन इन ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टीन एक लीगल अग्रीमेंट बनता है एंड दिस स्टेटमेंट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रिटर्न इन दैट अग्रीमेंट नाउ रीड इट विद मी नो फ्री मैन शेल बी सीज्ड imprisoned dispossessed outlawed exiled and ruined in any way nor in a way proceeded against except by the lawful judgment of his peers and the law of the land seems very innocuous nowadays both simple sentence because we are used to democracy because we are basically in the 21st century but this is a statement that was written in 1215.

टू नो वन विल वी डिनाई और डिले राइट फॉर जस्टिस मतलब कि हम किसी से अधिकार और न्याय ना तो उसको बेचेंगे और ना ही किसी को डिनाई कर सकेंगे द स्पेसिफिकली इज दैट कि ये जो क्लॉजेज हैं इस समय इंग्लैंड में आज भी लागू है मतलब दे स्टिल रिमेन ऑन द लॉ एंड दे बिकेम द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द इंग्लिश लॉ फ्रॉम लास्ट एट हंड्रेड ईयर्स तो फोर्टीन से सेवनटीन सेंचुरी के बीच में जो इंग्लिश लॉ डेवलप हुआ एंड इंग्लिश लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द इंडिया बिकॉज फॉर वी वर इंडियाली रूल बाई यूरोप में फॉलो कर रहे थे इन इंडिया ऑल्सो एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस वी स्टार्टेड फॉलोइंग द सेम बिकॉज वी हैड अ हिस्ट्री विद द फ्रेजिंग टू नो वन ये जो वर्ड लिखा हुआ ना टू नो वन नो फ्री मैन दो सिंपल से वर्ड हैं टू नो वन और नो फ्री मैन इन दीज सेंटेंसिस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ग्रामेटिकली स्पीकिंग दिस गेवस्ट ए यूनिवर्सल क्वालिटी एंड फ्रॉम देयर ऑन इट बेसिकली स्टार्टेड्ली मतलब इसकी जो एप्लीकेशन है वो हर जगह पर स्टार्ट हो गई कि किसी भी फ्री मैन को जबरदस्ती सीज नहीं किया जा सकता है जेल नहीं uh, डाला जा सकता है एग्जाइल नहीं कर सकते उसको किसी की तरह बर्बाद नहीं किया जा सकते अनटिल एंड अनलेस लॉ ऑफ द लैंड ऐसा कहता हो और जजमेंट लॉफुल जजमेंट ऑफ इज पीयर्स यानी कि जुडिशरी का लॉ का बेसिस बन गया Now, ये हमारे एग्जाम के लिए यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आई थॉट अबाउट दूशन ऑफ इंडियालीफ द इंडियन द रीजन बींगल बिकॉज सिंसटी हमारी पॉपुलेशन समय पॉइंट फोर बिलियन पीपल हैिटी

अब हमें वो पढ़ना है तो हमें थोड़ी सी उसकी ऑ या थोड़ी सी रिस्पेक्ट होनी चाहिए नो डाउट अबाउट इट एस एटलीस्ट आई फील सो बिफोर वी बिगिन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हमें उसके 200 साल पुराना इतिहास जानना पड़ेगा आज का जो हमारा पर्पज है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले 200 साल पहले क्या हो रहा था जनरली वट द ब्रिटिशर्स डिड विद द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल इन सेवरल मैनर्स जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था बिफोर so I बिगिन आई जस्ट want टू नो कि आपको एक छोटी सी बेसिक बात हो। बेसिक बात इन द सेंस कि इफ यू डोंट नो लेट मी जस्ट रिवाइज इट फॉर यू कि इंडिया के अंदर अगर आप भारत में रहते हैं तो हमारे देश का जो सबसे सुप्रीम लॉ है द हाईएस्ट लॉ ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जिसके बेसिस पर हमारी गवर्नमेंट हमारे इलेक्शन होने के तरीके हमारा पार्लियामेंट चलता है

जिसका पर्पस जिसका ऑब्जेक्टिव है लॉ बनाना तो देश में जो भी लॉ लागू होता है पूरे के पूरे देश में वो स्पेसिफिकली पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है एंड हाउ एंड ऑल द गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और डिटेल uh, दी हुई है कि हमारे देश की गवर्नमेंट कौन होगी और कैसे बनेगी दैट इज कॉल्ड इज द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव वर्ड्स को अगर आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं एंड मैन एवर यू हियर दी वर्ड गवर्नमेंट डिसाइडेड दिस टूडे तो गवर्नमेंट का मतलब है एग्जीक्यूटिव डिसाइडेड दिस तो इसको आप गवर्नमेंट के साथ कभी कभी एनोलॉगस यूज कर सकते हैं और जनरली कभी कभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं वो इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से भी कंपाइल कर सकते हैं मतलब दीज थिंग्स आर बेसिकली रेफरिंग टू द सेम एंटिटी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कैसे बनती है ये कौन है इसके पास पावर क्या है दिस इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन यू विल ऑब्वियसली बी अवेयर ऑफ द जुडिशरी दो जजेस होते हैं कोर्ट्स होती हैं अगर सोसाइटी में किसी भी दो लोगों के बीच में या किसी भी इंडिविजुअल सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है सो वी हैव फिगर्ड आउट कि एक जुडिशरी होनी चाहिए जो कि उस कॉन्फ्लिक्ट को सेटल कर सके साथ ही साथ जुडिशरी होनी चाहिए जो कि किसी को क्राइम के लिए गिल्टी घोषित कर सके द फर्स्ट आर्टिकल थर्टी नाइन ऑफ इंडिविजुअल को अगर एग्जाइल करना है इम्प्रिजन करना है तो वो लॉ ऑफ लैंड के बेसिस पर होगा और अपने पीयर्स की जजमेंट के बाद ही किया जा सकता है ना ये हमारे गवर्नमेंट का या पॉलिटी का जो सबसे ऊपर स्कैफोल्ड है सबसे सिंपल जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है राइट right? सली लॉर्ड ऑफ डिटेल्स कि जो पार्लियामेंट है दो भागों में होता है एक राज्यसभा कहलाता है एक लोकसभा है, कहलाता है इसमें राष्ट्रपति होते हैं कोई भी कानून कभी भी कानून नहीं बन सकता उसके ऊपर प्रेजिडेंट साइन कर दे ये जो एग्जीक्यूटिव होता है ये इसी पार्लियामेंट से लिया जाता है हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो संसद के पार्लियामेंट के ही पार्ट होते हैं ये प्रधानमंत्री और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसी पार्लियामेंट से आते हैं बट जुडिशरी थोड़ी सी इंटायरली सेपरेट है जुडिशरी सबसे हाईएस्ट जो हमारे देश में है वो सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इस सिस्टम को बनने में दिस टुक 200 हंड्रेड ईयर्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड ईयर्स बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट हमें मालूम है कि सिक्सटींथ uh, सेंचुरी में द कंट्री वॉज बींग रूल्ड बाई द अकबर द ग्रेट राइट तो राजा अकबर बेसिकली एक मोनार्क थे अकबर की की डेथ डेथ हुई हुई तो उनके उनके हुई तो उनके 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 बेटे 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 राजा बन so right? राजा बन बन गए गए सो बेसिकली द्वारा चुना जाता है प्रधानमंत्री जो है इलेक्शन से चुनते हैं प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन से चुनते हैं दिस ट्रांसफर टू डेमोक्रेसी फ्रॉम द मुगल बिटवीन है ब्रिटिश रूल जो कि अप्रॉक्सिमेटली थ्री से लेकर नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सेवन तक ट्रेस किया जाता है आज का हमारा पर्पस उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ने के लिए उसको ही डिस्कस करने के लिए होगा कि हम उस लंबे प्रोसेस में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था यहां तक पहुंचे कैसे हाउ डिड वी रीच दिस इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट देर आर सेवरल अमेजिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ वर्ल्ड लाइक द रिलीजियस बुक द गीता कुरान बाइबल जो भी बड़े बड़े रिलीजनस हैं उनकी जो होली बुक हैं उन्होंने अपनी सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है बट देन देर आर सम ऑफ समीज डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो लाइक द यू एस कॉन्स्टिट्यूशन और द मैगना कार्टा और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कीप्स ऑन इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन सोसाइटी तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्टोरी है आज हम थोड़ा सा इसको पढ़ने की स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले वाई डू वी मेक इट बहुत सिंपल सी बात है देखो सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि हमारी पॉलिटिकल कम्युनिटी की बाउंड्रीज क्या हैं और जो पॉलिटिक politic, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी अथॉरिटी कैसी होगी क्या क्या होगी वट वुड बी द बेसिक स्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी अथॉरिटी कौन होगा पावर्स क्या होंगी आइडेंटिटी क्या होगी सिटीजन्स जो हैं बिकॉज देर आर टू एंटिटीज इन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इन इन पर्टिकुलर कंट्री देर आर सम पीपल हु मैनेज

देर इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फाइनेंस कमीशन मतलब देर आर सेवरल अदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन उनकी भी जो पावर्स होती है दोज आर बेसिकली डिफाइंड बाई दस्टिट्यूशन और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी डिटेल्ड है तो वी मतलब अनलाइक द यू एस वन विच विच इज अ बेयर बोन वो बहुत ही छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें बहुत डिटेलिंग में नहीं बताया गया है बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली डिसाइड्स इन द डिटेल और जो ये तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के वन इज बेसिकलीजिस्लेटिव अनदर इज द एग्जीक्यूटिव एंड अनदर इज द जुडिशरी इन तीनों के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट पहले तो एक तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्न जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है मतलब एग्जीक्यूटिव के नीचे और एग्जीक्यूटिव होंगे प्राइम मिनिस्टर के नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नीचे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के नीचे और क्लेरिकल स्टाफ होता है इन सबकी पावर्स को जो डिफाइन करना होता है डिक्लेयरिंग द स्टेट रिलेशनशिप विद द रिलीजन इन रिसेंट टाइम पहले अगर हम देखेंगे फोर्टीन फिफ्टी सिक्सटीन सेंचुरी में रिलीजन वॉज काइंड ऑफ कंबाइंड एंड एंटेंगल्ड पार्ट विद द स्टेट कहने का क्या मतलब है कि जो पॉलिटिक्स थे और जो रिलीजन थे वो दोनों कॉन्जोनेंस में चला करते थे जनरली कई जगह पर जो रिलीजियस एंटिटीज होती थी वो पॉलिटिकल पावर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रखती थी बट ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ड्यूरिंग सेंचुरी द सोसाइटी केम टू द टर्म्स की लेट्स सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर और जो ये सारी पावर्स किंग के अंदर होती थी उन चीजों को सेपरेट कर दिया दिस लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव ये तीन प्रकार की की पावर है लॉ लॉ बनाने इंप्लीमेंट करने की और जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करने की बिफोर द मॉडर्न एज 1800 से पहले पहले ये सारी की सारी पावर किसके अंदर है एक मोनार्क के अंदर वन सिंगल इंडिविजुअल किंग वी चेंज द सिस्टम हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया मोनार्क की जगह में और इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि किसके पास कौन कौन सी पावर होनी चाहिए क्या नहीं होता है अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि भारतीय संविधान है हमारे देश का सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ है नो डाउट अबाउट इट इसके बारे में तो कोई कंफ्यूजन अब रहेगा ही नहीं और ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड कहने का क्या मतलब हुआ? कि पार्लियामेंट कौन किस प्रकार से होगा किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर प्रोसीजर हाउ डू यू इलेक्ट अ प्रेजिडेंट हाउ डू यू इलेक्ट अ प्राइम मिनिस्टर हु विल फॉर्म अ गवर्नमेंट हाउ डू यू क्रिएट पार्लियामेंट हाउ डू यू सिलेक्ट और इलेक्ट जजेज इनकी जो गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज होती हैं किसके पास क्या पावर होंगी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है ये सारी की सारी पावर एंड फंडामेंटल राइट्स सिटीजन लाइक यू एंड मी वी हैटन राइट एंड फॉर नाउ वी डिराइव ऑल दाइट फ्रॉ दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं ये सारी की सारी चीजें हमारे भारतीय संविधान में लिखी गई है इंडियन संविधान की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इट इज दी लॉन्गेस्ट रिटर्न नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इन दर्ल्ड राइट अगर रिटर्न है तो सारे के सारे कंट्रीज में माने तो जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत छोटा मतलब सात पेज का है सेवन पेजेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल में लिखा गया है इट डिस्कस इज थिंग्स। तो हमें बेसिकली इसलिए मोटी सी किताब भी पढ़नी पड़ेगी उसको स्टडी करने के लिए हमारे इन कॉन्ट्रास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन दोनों वर्ड्स का मतलब यूनाइटेड किंगडम में देखेंगे तो वहां का जो पार्लियामेंट है संसद है वो सुप्रीम है अर्थात लॉ दर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैम इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इफ यू सी दिस तो हमने नोटिस किया पार्लियामेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है तो मतलब कि हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई है पार्लियामेंट के ऊपर लॉज एंड देख लॉज सिंस इट वॉज क्रिएटेड बाईस्टिट्यूशन असेंबली राधर पार्लियामेंट तो मतलब यूके में थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है बट ये बात ध्यान रखेगा कि वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमिस

इससे पहले संविधान बनने से पहले हमारे देश में हमारे देश का जो संविधान हुआ करता थार्टी फाइव पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था Act, 1935. तो अगले पंद्रह सालों तक देश उसी के बेसिस पर चलता था फिर हमारा बन गया एंड सिंस कॉन्स्टिट्य बेसिसाइव से पहले उनका उन्नीस सौ उन्नीस का लॉ था उन्नीस सौ उन्नीस से पहले उन्नीसो नो विच वी आर गोइंग टू सी टूडे अब टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्टोनी

रिपील्ड ऑल द प्रीवियस लॉज मतलब कि आज के बाद देश में जो लॉ लगेगा वो सिर्फ देशवासियों ने ही बनाया है इनका ही है दैट्स कॉल्ड एज जानना जरूरी नहीं है बट मुझे लगा आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए तो 26 जनवरी जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था इज बेसिकली कॉल एज द रिपब्लिक डे इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश को सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक डिक्लेयर कर दिया एंड अपने नागरिकों को प्रोमिस किया कि सारे के सारे नागरिकों को जस्टिस इक्वालिटी और लिबर्टी देंगे एंड हम एक दूसरे के बीच में इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फ्रेटर्निटी प्रमोट करेंगे यानी कि भाईचारा प्रमोट करेंगे वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन द डिटेल भारत का जो संविधान है वेरी इंटरेस्टिंगली विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट संविधान है जब बना था जिस दिन बना था उस दिन लॉन्गेस्ट था अब तो और बड़ा हो गया तीन सौ पिचानवे आर्टिकल थ्री हंड्रेड नाइन आर्टिकल हैं इसके अंदर बाइस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है

पूरे वर्ड्स को किसी ने बैठ के काउंट कर लिया था तो एक लाख आज, आज तो है वो जो पिचानवे थे वो बढ़ के बेसिकली फोर आर्टिकल्स हो चुके हैं 22 की बजाय अब टोटल 25 पार्ट्स है मतलब ऐड कर दिए गए हैं बाद में 12 शेड्यूल हैं आठ हुआ करते थे 12 शेड्यूल हो गए हैं पिछले 75 सालों में कर हंड्रेड एंड फाइव टाइम एक सौ पांच बार अमेंड कर दिया गया yeah, interestingly, Constitution is the document, but it can be चेंज मतलब इसमें संशोधन हो सकता है चेंजेस हो सकते हैं। उसका प्रोसेस भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। विल लर्न अबाउट दैट दिस इज वट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अगर आप देखेंगे तो ये उसका इंडेक्स है दिस इज द इंडेक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर आर ट्वेंटी फाइव पार्ट्स ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले बाईस हुआ करते थे तो जैसे पार्ट वन के अंदर यूनियन और इट्स टेरिटरीज हैं उसमें सिर्फ चार आर्टिकल हैं आर्टिकल नंबर वन टू तो फोर फिर उसके बाद नागरिकता के बारे में सिटीजनशिप फिर ये जो सिटीजन हैं इनके फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होंगे वो पार्ट थ्री में है दैन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी कि स्टेट मतलब की द इंडियन स्टेट द इंडियन गवर्नमेंट किस इस प्रिंसिपल्स पे काम करना चाहिए वो डिटेल रखी है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज थे नहीं लेकिन बाद में संशोधन के के द्वारा ऐड कर दिया गया एंड एंड सो ऑन ऑन ये पूरे के पूरे आर्टिकल शॉर्ट में आपको ऐसा कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी धीरे धीरे ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे कि भाई पार्ट फिफ्थ में यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है पार्ट सिक्सथ में स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है पार्ट नाइन्थ पंचायत है पार्ट नाइन्थ ए म्यूनसिपैलिटी पार्ट नाइन्थ बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज पता भी चल जाएगा कि कहां, कहां से ऐड किया गया है एक पार्ट डिलीट भी कर रखा है so, okay? यह जो सीरीज हैल्सो द लक्ष्मीकांत डिस्कसिसूशन इन डिटेल एंड इसी से बेसिकली हमारी जो यूपीएससी है वो क्वेश्चन पूछती है बट बिफोर फोर वी बिगिन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम एक्चुअली में इसका एक छोटा सा बहुत ही माइल्ड सा बैकग्राउंड देता हूं मैं ठीक है जस्ट टू गिव यू हिस्टोरिकल स्टोरी हमारा पर्पस क्या है आज वे गोइंग टू लर्न कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है 26 जनवरी 1950 से उसके प्रीवियस ऑन एवरेज 200 इयर्स, ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली टू हंड्रेड तक क्या हुआ था Right? And that is the idea of it. में अचानक से एक दिन नहीं बना एक दिन डिसाइड नहीं कर लिया कि पार्लियामेंट का हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर होगा प्रेजिडेंट होगा नो द वेरी सिंपल स्टोरी ऑब्वियसली यू वुड नो जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि इकतीस दिसंबर सिक्सटीन को एक लंडन में एक कंपनी बनाई गई थी जिसको कहते हैं

Year 1600, इन्होंने उस समय की जो क्वीन थी उसका नाम था विक्टोरिया उससे एक परमिशन ले ली कि इनके पास अधिकार था मोनोपली थी कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो अफ्रीका का अफ्रीका का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप केप ऑफ गुड होप सो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में इनको मोनोपली दे दी गई थी कि सिर्फ यही ट्रेड करेंगे तो पहले सिर्फ पंद्रह साल की मोनोपली मिली थी बट वो धीरे-धीरे फिर बढ़ा के बेसिकली कम से कम दो साल तक चली थी विल सी द प्रोसेस दिस ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर ये सोलह से लेके approximately 1757, ये जो 150 years थे, they were in इन इंडिया ट्रेडर्स इंडिया से रॉ मटेरियल हायर करते थे खरीदते थे यूरोप में और इंग्लैंड में सेल कर देते थे बट कुछ ऐसे पावर ऑब्वियसली जब यह सोलह सो में आए थे तो उस समय मुगल पावर जो थी वो सबसे जेनित पे थी मुगल्स एम्पायर वॉज अली पावरफुल एम्पायर इन्फ्लुशियल एम्पायर था बट ड्यूरिंग दी सेवनटीन हंड्रेड सत्रह सो सात में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल पावर डिक्लाइन करने लग गया और जो पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वहां पर एक पॉलिटिकल पावर का वैक्यूम हो गया एंड उस वैक्यूम के बड़े सारे से कंटेंडर थे बट ऑल ऑफ कंटेंडर्स वर वन बाय वन डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द एंड रिजल्ट वाज दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी दिस प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी एंडेड अप कंट्रोलिंग द लीगल एंडेड अप लीगली कंट्रोलिंग द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट द पाकिस्तान एंड द बांग्लादेश इंक्लूडेड अब यहां पर कहानी स्टार्ट होती है सत्रह में जिसको बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है सेवनटीन में एक बैटल लड़ी गई थी बैटल ऑफ प्लासी तो लोगों के बीच में थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और बंगाल उस समय बहुत बड़ा प्रोविंस था भारत का बंगाल उस वहां का जो नवाब था और इनके बीच में और ये लड़ाई जीत ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो लड़ाई जीत ली गई थी बैटल ऑफ प्लासी जिसको कहते हैं जनरली हिस्टोरियंस मानते हैं कि यहां से ब्रिटिशर्स स्टार्टेड बिकमिंग बिग टेरिटोरियल पावर एंड विद इन द नेक्स्ट हंड्रेड इन्होंने पूरे के पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था बट एक्चुअली में सेवनटीन में मेजर पावर का जो यूज है एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होता है सेवनटीन में होती है बैटल ऑफ बक्सर प्रोनाउस इट एनी वे यू वॉन्ट बुक्सार कह लो बक्सर कह लो अब ये बैटल ऑफ बक्सर में अगेन बंगाल का जो नवाब था पलासी में जो हारा था वो मतलब पलासी वाला हार के मार दिया गया था अगले वाला जो बंगाल का जो नवाब था वो और उस समय का जो मुगल एम्पर हुआ करता था देश का शाह आलम टू वो एक साइड थे और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थे ईस्ट इंडिया कंपनी वन दैट वॉर ऑल्सो और उस वॉर का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ क्योंकि हारने वाली साइड पे मुगल एम्पर थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्पर से एक अग्रीमेंट साइन कराया जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद क्या कहती है कि इनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राइट्स आ गए दीवानी राइट्स दीवानी राइट्स। राइट्स। राइट्स का मतलब है कि बंगाल का जो प्रोविंस होगा उसका जो रेवेन्यू है वो ईस्ट इंडिया कलेक्ट किया करेगी रेवेन्यू कलेक्शन के जो अधिकार थे एंड देन दिस इज वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम्स ए टेरिटोरियल पावर और उसके बाद फिर वो धीरे 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 ओवर द नेक्स्ट हंड्रेड इयर्स वो वॉर वेज करके पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल में कर लेते हैं 1774 में जब उनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रेवेन्यू पावर्स आ जाते हैं तो वहां पे बैठी हुई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था दे स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट मतलब मोडडी पर इंटरेस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉ पास करना स्टार्ट करता है टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे पहला एक सेमिनल इंपॉर्टेंट लॉ आता है वो आता है 1773 में जिसके नाम सुना होगा आपने जिसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 दिस इज वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशन ऑफ आवर इंडिया माना जाता है अब यहां से हमें स्टार्ट करना है पढ़ाई और उसके बीच में सत्रह सो तिहत्तर से लेकर उन्नीस सौ सैतालीस तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कौन कौन से लॉ पास किए हैं जिससे भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस होता था दैट इज दर्पज और दैट इज द एक्चुअली दब्जेक्टिव ऑफ द

ज्यादा कंट्रोल करते हैं एंड देन फिर उसके बाद इन्होंने माइसोर वॉर लड़ी तो साउथ इंडिया इनके कंट्रोल में चला गया फिर इन्होंने एंग्लो मराठा वॉर्स लड़ी तो फिर मिडिल इंडिया इनके कंट्रोल में चला गया फिर उसके बाद इन्होंने सिंध उन्नीस में फिर उनसे 1848 में पंजाब आ, सिख और एंग्लो सिख वॉर्स हुई थी तो पंजाब का पूरा का पूरा, पूरा वेस्टर्न पंजाब इनके कंट्रोल में चला गया सो फ्रॉम सेवनटीन एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन ब्रिटिशर्स फंडामेंटली स्पीकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सारे के सारे इंडियन टेरिटरीज को कंट्रोल में लिया था और ड्यूरिंग दिस टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट कैप्ट ऑन पासिंग डिफरेंट लॉज टू रेगुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये 1773 से अट्ठारह तक भारत पे वेरी लेजिटिमेटली एक प्राइवेट कंपनी प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी रूल किया करती थी या सीम्स डिफिकल्ट टू लाइक रियल हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट 1857 पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाता है देन द the 1858 में ब्रिटिशर्स पास डिफरेंट एक लॉ पास करते हैं द गुड उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को परमानेंटली कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है एंड द रूल इंडिया फ्रॉम एटीन फिफ्टी एट टू नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सेवन गोज डायरेक्टली इन टू देंड ऑफ द ब्रिटिश पार्लियमेंट इसीलिए इस समय को कहा जाता है कंपनी रूल और इस समय को कहा जाता है ब्रिटिश राज और ब्रिटिश, राज। और ब्रिटिश राश नॉट राजो दोनाउंस इट बट दे दोनों डिफरेंस समझ गए ड्यूरिंग दिस बोथ द टाइम्स Laws were so, में हुआ फिर सेवनटीन एटी फोर में हुआ फिर सेवनटीन नाइनटी थ्री में फिर 1813 में फिर 1833 में फिर अठारह में, में, में बीच में भी हुए थे छोटे छोटे बट हमें सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पढ़ने हैं जिससे कोई फंडामेंटल चेंज हो गया इंडियन पॉलिटी के अंदर एंड हमें वो स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट डिटेल याद करनी होती है कि यार अट्ठारह में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ पास किया और इंडिया में एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न एजुकेशन को उसके ऊपर फोकस कर दिया रिलीजियस एक्टिविटीज को स्टार्ट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपली सोलह सो में स्टार्ट हुई थी जो सिर्फ 15 साल के लिए थी वो 1813 में 213 साल के बाद खत्म होती है सो so, हमें इन अलग अलग लॉज के इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस करने हैं और किस प्रकार से वो इंफ्लुएंस करते हैं इंडियन पॉलिटी को नाउ जस्ट गिव मी फाइव मोर मिनट्स वेरी इंपॉर्टेंटली देखो हमारा देश आज कैसे चलता है तुम्हें पता चल गया होगा ठीक है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर यू हैव अ एंडिक आइडिया सिस्टम बताता हूं देखो 1764 से लेके 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको रेवेन्यू राइट्स मिल गए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय हमारे देश में तीन कंट्रोल के हिस्से थे एक तो बॉम्बे के अंदर एक

कि गवर्नमेंट तो है ही ये साथ ही साथ ये आर्मी भी हैंडल करता था गवर्नर इज फॉर गवर्निंग एंड जनरल इज बेसिकली जनरल ऑफ द आर्मी एंड इन दोनों को इसके सब्सिडरी बना दिया गया साथ ही साथ इसको एक चार लोगों की काउंसिल दे दी गई मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सिस्टम था जो कि बंगाल को गवर्न कर रहा है सत्रह में और इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वा हाउ डिड इट इन आपने नहीं पढ़ा है, तो वेट अंडरस्टैंड इट बाई क्लास चार काउंसिल मेंबर दे दिए गए, ठीक है दिस इज वॉट नाउ इसके बाद हर साल कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होती है देयर इज समथिंग एल्स अगर आप 1773 के समय में जाते हैं तो आप 1773 के, के समय में देखेंगे जो लोकल रूलर्स है उनको हटा दीजिए ब्रिटिशर्स वाले में गवर्नर जनरल है इसके ऊपर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है पिछले डेढ़ सौ सालों से चल रही है 1600, ये गवर्नर जनरल है वो एक पूरे के पूरे बंगाल को संभालता है और दो इसके नीचे सब्सिडरी गवर्नर बना दिए गए हैं जो कि एक बॉम्बे को देखता है और एक बेसिकली मद्रास को देखता है और अभी 1773 में एक्ट में इसको चार मेंबर दे दिए गए हैं काउंसिल जो कि लॉ बनाते हैं इसके साथ मिलकर और लॉ को इंप्लीमेंट भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर ये जजमेंट वाले भी कुछ मुद्दे सॉल्व कर लेते हैं एंड देन देन सिंस हर एक चीज के अंदर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोई ना कोई डेवलपमेंट जैसे कि ये सत्रह में है तो उसके बाद अगर हम बात करें सत्रह के बाद यहां पे गवर्नर ऑफ प्रोविंसिस है तो ये गवर्नर जनरल है इसके नीचे जो गवर्नर है प्रोविंसेस के बॉम्बे के हो गया मद्रास के हो गए ये आपको स्ट्रक्चर मिल गया ये उस समय की पॉलिटी थी अगर उस समय के देते सो so तिहत्तर से लेकर अठारह सो तेरेपन तक लॉबी यही बनाती है और इंप्लीमेंट भी ये करती है मतलब कि दे आर पार्लियामेंट ऑल्सो एंड आर बेसिकली गवर्नमेंट ऑल्सो दोनों की दोनों चीजें आज अलग है ये। इन 1853 दिस वॉज सेपरेटेड जो एक मेंबर थे एक तो गवर्नर जनरल हो गया उसको एक लेजिस्लेटिव काउंसिल दी और उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी दिस है और तो हम जब पढ़ते ना कि गव, क्या नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पढ़ना है सर वे well, यही है यह जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल फिर आने वाले 1861 और अठारह और 1909 के जो लॉ हैं, वो यही बताएंगे कि इस काउंसिल में क्या-क्या चेंज हुए। जैसे बनी थी इसको बाई कर दिया दो हाउस बन गए काउंसिल जो थी थ्री में गवर्नर जनरल के पास चार लोग हैं वो काउंसिल है वो पार्लियामेंट भी है वो गवर्नमेंट भी है अठारह में उन गवर्नमेंट को अलग कर दिया लॉ बनाने वाले काम को अलग कर दिया और 1919 में ये जो लॉ बनाने वाले काम थे इसको बाय कैमरल कर दिया दिस बिकेम अपर हाउस एंड दोअर हाउस एंड इन नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी दिस बिकेम्स दार्लियामेंट ऑफ इंडिया सिमिलरली इसी प्रकार की जो डिटेल्स है विल we'll डिस्कस तो ये इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना एंड याद रखना कि यस दिस इज व्हाट द एंड पर्पस ऑफ दिस क्लास इज चलिए बात करते हैं दिस वाज द बेसिक जनरल बैकग्राउंड राइट तो अंग्रेजों के द्वारा काम किया गया था दो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो वीड एक्चुअली बी बेटर इक्विप टू अंडरस्टैंड इट सो नाउ फाइनली आफ्टर दिस फोर्टी मिनट्स मोनोलॉग द एक्चुअल चैप्टर ऑफ द लक्ष्मीकांत बिगिन बट थोड़ी सी डिस्कशन जरूरी थी बिफोर वी वुड हैव स्टार्टेड दिस क्लास चलिए अब प्रारंभ करते हैं

We are doing this for the UPSC and कि आप जो भी स्टूडेंट है वो सारे के सारे यूपीएससी के स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करें यूपीएससी का अगर एग्जाम क्लियर करना चाहते हो और अगर आपको सारी की सारी जो पूरा का पूरा प्रेलम्स और मेन्स का जो सिलेबस है इफ यू वह वो पूरा का पूरा सिलेबस आप हमें करवा सकते हैं और हमारी मेन्स की प्रिपरेशन करा सकते हैं वेल देन स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर आपको जरूर जाना चाहिए वो दिंग इज दैट इफ यू गो ऑन दी आई क्यू वेबसाइट

तो हम आपको प्रिलिम्स के बाद स्टडी आईक्यू के डेली कैंपस पर बुलाएंगे ऑन आवर एक्सपेंस आपके लॉजिंग हॉस्टल फूड एजुकेशन टेस्ट सीरीज जो है उसके सारे के सारे एक्सपेंसिस स्टडी आईक्यू के द्वारा बियर किए जाएंगे वट इज द क्राइटेरिया ओनली टू थिंग्स यू आर स्टडी आई क्यू स्टूडेंट ऑब्वियसली एंड सेकेंड यू क्लियर प्रिलिम्स सो अगर आप इस बैच के स्टूडेंट है इसको ज्वाइन करना बहुत आसान है लाइक यू जस्ट क्लिक ऑन द बाय नाउ बिफोर यू बाय नाउ एड अ कोड विच इज लेट से

द दिलेबस ऑफ द जनरल स्टडीज पेपर वन एंड पेपर टू ये सारा का सारा इससे कवर करवाया जाएगा इस पूरे के पूरे उसमें कोर्स में एंड ऑल थिंग्स आपकी जो मेंस की जो आंसर राइटिंग है और आपकी जो प्रीलिम्स की जो मॉक टेस्ट है वो सबके सब इसके अंदर होंगे एंड द नेक्स्ट ईयर और विच एवर बैच यूर जब आप वो प्रेम्स क्लियर करेंगे यू विल गेट अ मेन्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम फ्री एडमिशन फॉर द स्टडी आइट ये बात मुझे लगा एक बार आप लोगों को बता देना चाहिए ताकि आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए एंड आफ्टर दैट स्टार्ट क्लास बिकॉज वी रियली हैव टू गो वेरी चलिए अब बात करते हैं ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ठीक है ब्रिटिश रूल का सिंपल सा जो मैंने बेसिक बताया ईस्ट इंडियन कंपनी ईयर 1600 में बनी थी और उसके बाद देन देर वर सेवरल थिंग्स बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में काफी सेमिनल इवेंट था बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए दीवानी राइट्स का मतलब क्या हुआ कि दे कैन कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल ये सत्रह से लेकर सत्रह सो तक टेक्निकली ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे तो थोड़ी सी करप्शन बहुत ज्यादा होने लग गई तो तिहत्तर में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्ट इंटरवेंशन स्टार्ट कर दी इंडिया के अंदर कैसे किया लॉ पास करके रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जिसमें लिखा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दिन प्रतिदिन का काम है वो कैसे चला करेगा एंड देन अगेन 81 में 84 में 13 में, 33 में, 1853 में, ये सारे सारे पड़ा इंडिया के वो तो लॉज इवेंट हो गया था उसके बाद अट्ठारह सो सत्तावन में पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही म्यूटिनी सिपाही विद्रोह जिसे कहा जाता है वो हुआ आफ्टर दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया 1858 का जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको खत्म कर दिया गया इट वाज डाइल्यूटेड इट वाज लिक्विडेटेड उनको परमानेंटली हटा दिया गया और इंडिया का जो रूल था वो परमानेंटली पूरा का पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया एंड देन दे पास सेवरल लॉज अठारह सो बानवे सौ नौ सारे करेंगे आज ये इनके बारे में देन का और फिर उसके बाद 1919 से नाइनटीन 1935 के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे एंड फाइनली 1947 में 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट एक लॉ पास करता है उसको कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जिसके अंदर डिटेल है कि भारत आजाद कैसे होगा राइट विल एक्चुअली हैव टू डू दैट एज सुन एज पॉसिबल चलिए आई थिंक वी हैव डन दिस हम मैंने आपको पूरी की पूरी बात बता ही दी है तो हम इसको बहुत ज्यादा रिपीट पर नहीं करते हैं लेटस गो ट ठीक है ग्रेट तो दिस इज थिंग रिमेंबर कीजिएगा कि सत्रह सो तिहत्तर से अठारह सो अठावन जो हमारा देश था इंडिया था उसकी कुछ कुछ टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी शेयर होल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा कंट्रोल की जाती बट आफ्टर एटीन हंड्रेड फिफ्टी एट दे आर डूइंग इट ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बट व कंट्रोल एक्चुअली लाइट विद दाइवेट कंपनी

कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको बोल दिया कि तुम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाओगे आज से और तुम्हारी आज से एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी चार मेंबर्स की और ऐसा पहला इंडिविजुअल था वॉरन ये जिसकी फोटो मेरे पीछे लगी हुई है सो वेरी स्पेसिफिकली अगर हम छोटी छोटी सी डिटेल को लेते हुए चले तो उससे पहले सेवनटीन से पहले बंगाल बॉम्बे और मद्रास इन तीनों को गवर्नर हैंडल करते थे लेकिन अब सत्रह के बाद एक ही आदमी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया तो ये जो जोदा था तो गवर्नर जनरल ये वर्ड ऐड हो गया ना तो दिस एक्चुअली मेड हिम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर टू गवर्नर ऑफ बॉम्बे और जो मद्रास थे वो इसके सब बन गए पहले इंडिपेंडेंट हुए थे सत्रह से पहले इसमें एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दी गई कलकत्ता में जिसमें एक चीफ जस्टिस और तीन जजेस हुआ करते थे स्टार्ट हो रही है अब धीरे धीरे एंड जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज हुआ करते थे अब वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और ना ही नेटिव यानी कि इंडियन से कोई भी ब्राइव नहीं लेंगे सत्रह से पहले वो ले सकते थे रादर सेवनटीन के बाद एक्चुअली में वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे विच वॉज करप्शन बाई द ब्रिटिश पार्लियामेंट हेंस दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड

उस समय का ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम पिट था विलियम पिट तो इसलिए उसके नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं क्योंकि उसी ने इंट्रोड्यूस किया था अब इन्होंने देखो अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो रही है तो इन्होंने डिस्टिंग बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी दे रियलाइज टिल सेवनटीन हंड्रेड यार कंपनी कई काम कर रही है कमर्शियल ऑबली वो ट्रेड तो कर ही रहे हैं इंडिया में पिछले 200 साल एक सालों से बट अब वो एक पॉलिटिकल एंटिटी भी बन चुकी है और इनको थोड़ा थोड़ा सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया दिस सेपरेटेड इट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल अफेयर्स एंड क्रिएटेड न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द दॉलिटिकल अफेयर तो एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम बना दिया आज से पहले सत्रह सो चौहत्तर सत्रह से पहले ये जो गवर्नर जनरल थे इनको सब सब ये अपने इंग्लैंड में सबको अपनी रिपोर्ट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को वही ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े हेड है दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अब यहां पर 1784 में इन्होंने इस मुद्दे को बदल दिया ये गवर्नर जनरल तो होंगे ही होंगे इनको ये छोटे गवर्नर रिपोर्ट किया करेंगे एंड दे विल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और आ गया तो अब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही है बट देर आर टू थिंग्स गोइंग ऑन ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं और जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का है इंटरेस्टिंग बात होनी स्टार्ट होगी ना सो नाउ थिंग्स आर बेसिकली लुकिंग अप धीरे धीरे कैसे जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल और रेवेन्यू ठीक है तो मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लग गई एक्ट सिग्निफिकेंट था दो पहले तो जो कंपनी के जितनी भी टेरिटरीज थे उनको इन्होंने ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया बोल दिया के अंदर चुपचाप से लिख दिया कि ऑल द ब्रिटिश इन इंडिया वरना लीगली बाद में प्राइवेट माइंड बट गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया कंपनी के अफेयर में बट यहां से अब बस समय की बात थी कि किसी ना किसी दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जो बेसिकली सारा का सारा कंट्रोल ले गेटिंग इट नाउ राइट ये लॉ पास ब्रिटिश पार्लियामेंट में एंड वेन जस्ट नीड टू फिगर आउट दी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट सो वेरी क्लियरली अगर आप देखें तो ये दिस इज 1764 से लेके 1772 तक ईस्ट तो इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी गवर्नर्स उसको चलाते हैं अलग अलग जगह पे गवर्नर सत्रह में एक आदमी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और उसके नीचे बाकी छोटे छोटे गवर्नर जो है उसके सब्सिडरी हो गए अब देखो नोटिस करो आज एक प्राइम मिनिस्टर होता है और फिर चीफ मिनिस्टर्स उसके नीचे होते हैं कुछ कुछ थोड़ी सी सेंबलेंस आनी स्टार्ट होगी इससे एंड यहां स्ट्रक्चर 1784 में, 1784 में खड़ा कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एंड सो ऑन लेट सी कि फिर अब ऐसे लॉ आते हैं अब बैक टू बैक ना ये 20 साल बीस साल में आया करते थे 1793, 1813, 1833 और 1853, चार है चलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्या करता है अब देखो 1773 में क्या हुआ था 1773 में अगर हम देखें तो जो वो गवर्नर जनरल था उसको एक चार लोगों की काउंसिल दे दी गई थी राइट अबाउट इट मतलब ऐसा रैंडमली तो नहीं दिया होगा तो जब वो डिसीजन लेते थे तो मेजोरिटी से लेते थे तो गवर्नर जनरल से अगर कोई जब तक दो लोगों को ना मना ले तो उसको मेजोरिटी नहीं मिलती थी

टू विन दट वॉर लॉर्ड कॉर्नवॉल कन्विंस्ड दवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटेन की भाई मुझे एक्स्ट्रा पावर दो उनको पावर मिल गई तो वो अपनी काउंसिल यानी वो जो चार लोग उनकी सलाह देने के लिए थे उनको ओवर राइड कर सकते थे उनकी एडवाइस को सेवनटीन नाइनटी थ्री में लॉर्ड कॉर्नवॉलिस वॉर जीत गया दर्ड मैस और वॉर थर्ड एंग्लो मैस वॉर वो जीत गया सो दिस थिंग वॉज एडेड इन लॉ की जो भी गवर्नर जनरल होगा वो बेसिकली चाहे तो अपनी काउंसिल्स की जो पावर है उसको ओवर कर सकता है सो गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर मिल गई और इनको और सब के ऊपर से भी कंट्रोल हो गया सो यू सी सेंट्रलाइजेशन हो रही है डू यू सी दिस कि पहले सबके पास अलग अलग पावर है बॉम्बे अलग बंगाल अलग ये सब अलग है फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है बाकी सब्सिडरी हो गए फिर उसके बाद गवर्नर जनरल के पास इतनी पावर आ गई कि वो अपने काउंसिल्स को भी ओवरराइड कर सकता है एंड देन जो बच्ची खुची थोड़ी बहुत पावर थी उनके पास बंगाल वाले सॉरी uh, बॉम्बे और मद्रास वाले के पास वो भी जाके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास चली गई तो so, बॉम्बे और मद्रास और इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ये 20 साल तक बढ़ा दी गई 1813 में इसको खत्म कर देंगे और साथ ही साथ इट प्रोवाइडेड द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल आर्मी का जो हेड होगा वो काउंसिल का मेंबर नहीं बनेगा एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है काइंड ऑफ द पीपल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग हैं और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग अब ये मतलब क्या नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंडल कर रहे हैं उनकी सैलरी वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी चाहिए बट अब कहां से जाएगी इंडिया के रेवेन्यू से द द ड्रेन ऑफ वेल्थ देल्थ स्टार्टेड एक्चुअली दैट स्टार्टेड इन फोर सो इस 1793 के एक्ट की एक और इंपॉर्टेंट बात है इन्होंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी फंक्शंस को अलग अलग कर दिया

So, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू कभी कभी ये जो सिविल सर्वेंट्स मेजिस्ट्रेट को आजकल भी कलेक्टर के नाम से जाना जाता है वो आई रेवेन्यू कलेक्टर और माल अदालत ले टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन कलकानर जनरल इन दाउंसिले छोड़ दीजिए ठीक है अब देखो सत्रह pay the में आफ्टर ऑल दी lakhs कंपनी the इंडियन revenue annually इनके पास ना monopoly है illegally नहीं दे रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंडिया में कोई ट्रेड ही नहीं कर सकता तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा कहीं ना कहीं पे result रिजल्ट पांच लाख रुपए थे कि हर हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट को पांच लाख रुपए जाते थे इंडियन रेवेन्यू से खर्चा वर्चा निकाल के बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पे करने के बाद पांच लाख रुपए सेवेंटी थे ये बढ़ता रहा था बाद में एंड सीनियर कंपनी वो बार्ड फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन

जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो चार्टर इशू किया गया था उस समय की क्वीन से ठीक है चार्टर इशू किया गया था उस चार्टर में लिखा हुआ था फरमान चार्टर मीन फरमान फरमान इशू किया गया था चार्टर में लिखा था पंद्रह साल की मोनोपली है तो ये जितने भी चार्टर एक्ट है क्योंकि उसी चार्टर में कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं इसलिए इनको चार्टर एक्ट कहा जा रहा है ठीक है फिर वो देखेंगे हम अठारह के बाद क्यों इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है चार्टर एक्ट अठारह में ध्यान से सुनो देखो कितनी अच्छी अच्छी बात है ट्रेड मोनोपली ऑफ in India. 213 साल से चल रही है ये 213 दिसंबर से start हुई थी. बट अभी भी पूरी नहीं हुई है हाव इट कंटिन्यूड दोनोपली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना तो चाइना के साथ अभी भी मोनोपली है और इंडिया में टी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है बाकी बाकी का जो बिजनेस है वो सबके लिए ओपन है ब्रिटेन का कोई भी जो मर्चेंट है कोई भी जो ट्रेडर है वो यहाँ पे आके ट्रेड कर सकता है इट ऑलवेज फैसिनेट्स मी कि चाय में ऐसा है क्या कि पूरे के पूरे के अंग्रेज मतलब हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है हम उसे वैसे ही पांच दस गिलास चाय पिला देते हैं मैं कहता हूं दो लीटर बना के दे दू मगर उनका ज्यादा ही मन कर रहा हो तो इनको वैसे चाहिए थे हम वैसे दे सकते थे इनको ऐसा कोई टेरिटरी एक्वायर करने की खास जस्ट सेइंग इट लाइक आई डोंट सी द फैसिनेशन ऑफ ब्रिटिशर्स विद टी मतलब व्हाट हाउ मच आर यू गोइंग टू ड्रिंक एग्जैक्टली इट असर्टेड सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन एक बार दोबारा से याद दिला दे सत्रह में तो बोल दिया था कि ब्रिटिश पोजेशन है बट एटीन में एक बार फिर ओ, याद दिला दो इनको कहीं भूल ना जाए ब्रिटिश ब्रिटिश ऑफ द द क्राउन ओवर कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया एंड ओके नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट और ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है रिमेंबर ये वाला और ये वाला मोनोपोली वाला तो याद रखना तीन चीजें अठारह सौ तो तेरह के अंदर एक तो मोनोपोली खत्म हो गई है सिर्फ टी और चाइना के ट्रेड में नहीं है वहां पे अभी भी मोनोपोली है दो चीजें इंपॉर्टेंट है सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी फॉर एनलाइटिंग द नेटिव क्रिश्चियन मिशनरीज पर्पज फॉर एनलाइटिंग द पीपल मतलब हम अंधकार में जी रहे हैं पिछले दो तीन चार हजार साल से तो अंग्रेज सोचते हैं कि हमें एनलाइटन किया जाए हाउ आर दे गोइंग टू डू थ्रू क्रिस्टियन मिशनरी प्लान टू दिन टाइम एंड देन ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंटली एंड दिस इज इंपॉर्टेंट दे सेड की वेस्टर्न एजुकेशन को स्टार्ट करो अमंगस ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वर सपोज टू स्पेंड वन लाख रुपीज एवरी ईयर एनुअली ऑन प्रमोटिंग दस्टर्न एजुकेशन जो चीजें हैं एक तो एजुकेशन मिशनरी और दोनोपली ये तीन वर्ड है जो कि आपको अठारह सो तेरह के चार्टर एक्ट के अंदर याद होना चाहिए बाकी छोटी छोटी बातें हैं लोकल गवर्नमेंट को टैक्सेज देने के लिए कर दिया गया देड ऑल्सो पनिश फॉर नोट पेंग टैक्स आजकल स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है ना मुंसिपैलिटीज और पंचायत भी टैक्स लगा सकती है ना

कर दिए पहले 1813 से पहले एक्चुअली में से क्या होता था कि एजुकेशनल प्रोविजन जो थे वो ना पे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कोई कॉलेज वॉलेज बनवाना यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी हल्का फुल्का करते थे तो करना तो कर देते थे बट दिस एक्ट ओवरटर्न दैट लाइसिस फेयर स्टेटस मतलब कि जो फ्री फ्री हैंड था गवर्नर जनरल का एजुकेशन पे उसको हटा दिया गया और ऑब्लिगेशन दे दी गई कि अपने रेवेन्यू में से हर साल एक लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे

तो 1773 से लेकर 1833 के बीच में एक इंपॉर्टेंट एक्चुअली में एक नहीं कई सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो जाते हैं 1773 में ब्रिटिशर्स वर ओनली कंट्रोलिंग बंगाल सिर्फ बंगाल का रेवेन्यू कलेक्शन था इनके पास बट बाय 1833 दे कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट होल टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सिंध एंड पंजाब सिर्फ सिंध को छोड़ के और पंजाब को छोड़ के 1833 तक इन्होंने माइसोर वॉर भी जीत ली थी इन्होंने मराठा भी जीत ली थी, तो दे फंडामेंटली कंट्रोल देडामेंटली टेरिटरी, बस वेस्टर्न इंडिया आप हटा सकते हैं पाकिस्तान, तो 1833 में दे कि भाई अब तो हम पूरे इंडिया को कंट्रोल कर करते हैं राइट सो so, इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को नाम बदल के कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉजिकल क्योंकि अब सिर्फ वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, द टेरिटरी हैज इंपॉर्टेंट इवेंट ठीक है और इसके पास सारी की सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स तो ये आदमी जो मेरे पीछे आप जिसकी फोटो देख रहे हो, दिखता है या नहीं, दिखता? बेंटिक. ये भारत का पहला डिक्टेटर था स्पीकिंग मतलब एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द army head of that time. So, Act created government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India. So, this guy basically सब कुछ consolidate हो गया कि जितनी territories East India Company की हैं वो अब एक individual के हाथ में बनेगी. तो कहीं ना कहीं पे rudimentarily speaking मतलब in a way he is basically मतलब तो यहाँ पे India बनना India का जो modern version है ना वो बनना start हो गया.

the governor general of india was given exclusive legislative power for the entire british india so this single person one person was basically the parliament of india matlab he can make the law for whole of the india ye aadmi is samay parliament hai he is also the prime minister kyunki government bhi yahi chalata hai isse pehle agar hum dekhe to jo बॉम्बे और मद्रास के या जो और कोई province है उनके governors के पास भी थोड़ी थोड़ी सी legislative powers है Now they have nothing.

आप ट्रेड करते हो लाइक यू यू आर इन टू बिजनेस ऑफ सेलिंग टेलीविजन बट सडनली यू गेट पावर ओवर द होल डिस्ट्रिक्ट एंड यू आर यू स्टार्ट कलेक्टिंग द रेवेन्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आफ्टर वाइल रियलाइज की टी वी बेच के मैं बीस पच्चीस हजार रुपए क्या कमा रहा हूं मैं पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट सो दिस हैपन सो अठारह सो तैतीस में एक्ट आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट कहते हैं कि कमर्शियल काम छोड़ो और सिर्फ और सिर्फ देश को मैनेज करो इंडिया को तो so कमर्शियल काम खत्म एंडेड द एक्टिविटीज यहां से वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और साथ में ध्यान से लिख दिया कि कंपनी की टेरिटरी टेरिटरीज आर इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्ट्री मतलब कहने का मतलब है कि यस ईस्ट इंडिया कंपनी इज मैनेजिंग बट दे आर मैनेजिंग इट फॉर द किंग ऑफ द ब्रिटेन इन्होंने एक 1833 में हुआ नहीं है ओके okay, बट याद करने योग्य कि दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स और इंडियंस शुड नॉट बी डिवार्ड फॉर होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर दी कंपनी लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ये जो लोग हैं ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाले लोग बड़े क्या नाम है ईस्ट इंडिया को हेड करते हैं इन्होंने बहुत अपोज किया और इन्होंने माना नहीं वट है लेकेटीन थर्टी थ्री तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनको अपना काम संभालने के लिए रेवेन्यू कलेक्शन के लिए लोगों की जरूरत पड़ती तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ये अपने लोगों को रेकमेंड करते थे लाइक like चाचा भतीजावाद इंट्रोड्यूस पीपल सर्व आप बन जाइए आप जन जाइए एंड दीज पीपल वर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स काइंड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन में तो जो वो कलेक्टर है कलेक्टर वेल collector? द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कंपनी विल रेकमेंड recommend someone टू बिकम अ कलेक्टर

इट हैव बीन डन इन 1833 लेकिन हुआ नहीं क्योंकि कोर्ट वाले जिद पर अड़ गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल की पावर को इंक्रीज कर दिया है सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर इसके पास अब ये पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाता है आगरा प्रेसिडेंसी बना दी गई चलिए मोनोपली गोन मोनोपोली कंप्लीटली हट ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस हटा दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ एडमिन बॉडी बना दी okay. गई है ओके सेंट्रलाइजेशन बढ़ गई है मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर को कम्पलीटली रिमूव कर दिया गया है कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ फर्स्ट लॉ कमीशन आइडिया ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन सो आइडिया की सिविल सर्विस ओपन कॉम्पिटिशन से होनी चाहिए यू आर गोइंग टू गेट यूपीएससी एग्जाम एंड यू नो इट इज एन एब्सोलूटली ओपन कॉम्पिटिशन के मेन थर्टी थ्री

लॉ कमीशन बनाएंगे टू कोडी दी लॉ ओके टू कोडी दी लॉ परफेक्ट मेक सेंस कौन है लॉ कमीशन का हेड? हेडकूल इंडियन पीनल कोड दिस स्का बिकॉज ही वॉज एक्चुअली कोडी हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है थर्टी थ्री इज डन लेट्स दू चार्टर एक्ट ऑफ एटीन हंड्रेड फिफ्टी थ्री 18 अभी रिवाइज करते हैं इसके बाद 1853 एंड नाउ समथिंग मोर इंपॉर्टेंट हैपेंस कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है मैंने जैसे बताया कि 1773 में इसको दे दी है एक चार मेंबर की काउंसिल और 1773 से 1853 तक 1773 से 1853 तक ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था बाद में इंडिया बन गया था इसके पास एक चार मेंबर की काउंसिल है भाई ये ये जो दोनों, ये जो दोनों है ना ये इंडिया की गवर्नमेंट भी थी और यही इंडिया का पार्लियामेंट हुआ करता था 1853 में दिस सेपरेटेड दिज फंक्शन दी एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड द लेजिस्टिव फंक्शन फॉर दस्ट टाइम तो इनको लगा कि लॉ बनाना स्पेशलाइज काम है वो अलग लोग करेंगे और जो

स्पेशल फंक्शन माने लगा गवर्नमेंट का और इसके लिए स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेसेस बनाई गई इफ यू कान सी इट लेट मी जस्ट गेट आउट ऑफ इन फ्रंट ऑफ यू कि इससे पहले 1853 से पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल दोनों काम करती है लॉ भी इंप्लीमेंट करती है 1853 में बदल दिया एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग कर दिए जिसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग कर दिए और इसके लिए सिंपल, सो दिस सेपरेटेड, द गवर्नमेंट बिकम द पार्लियामेंट और इंपॉर्टेंट बात और, एक, एक और ना तुम्हारे उसमें से भी किसी इंडिविजुअल को ऐड कर लीजिएगा तो क्या किया इन्होंने इंडियन सेंट्रल इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में छ मेंबर है गवर्नर जनरल अपने चॉइस से ले सकता हैं लेकिन चार मेंबर प्रेसिडेंसी से ले लेगा भाई जैसे एक मद्रास से एक बॉम्बे से एक बंगाल से और एक आगरा से ठीक है एक बंगाल से एक बॉम्बे से एक मद्रास से और एक आगरा से दो अपनी मर्जी के ले सकता है दिस इज वेयर लोकल रिप्रेजेंटेशन बिगिंस

तो जब कोई सिविल सर्वेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करता था तो वो एक अग्रीमेंट साइन करता था मैं तुम्हारे साथ इतने दिन तक काम करूंगा इंडिया में इतने दिन तक काम कर लूंगा तो दैट अग्रीमेंट इज कॉल्ड एज कोवेनेंट कोवेनेंट का क्या कोवेनेंट इज जस्ट फॉर अग्रीमेंट कोवेनेंट तो हेंस दैट वॉज कॉल्ड एज दी कोवेटेड सिविल है इस शब्द का को कोई खास मतलब इज जस्ट अग्रीमेंट तो पहले वो अग्रीमेंट साइन हुआ करते थे तो हेंस कॉल्ड एज इज कोवेनेंटेड तो इसीलिए अठारह में डिसाइड किया तो मैकुअले कमेटी बनी द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड इन दिन छोटा सा है 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 के लिए बेसिकली याद रखेंगे ना क्या अकॉर्डिंग टू कमेटी बनी है. यही आदमी लॉ कमीशन वाला बंदा भी है ठीक है दिस इज द सेम गाय गायज हैंडलिंग द लॉ कमीटी फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ द इंडिया कंपनी के रूल को बढ़ा दिया गया अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशन ठीक है अब पिछले जितने भी लॉ थे दिस इज प्रोविडेंस मतलब दिस इज द स्क्रिप्ट ऑफ अवनटीन नाइन 1793 में जब लॉ पास हुआ तो उसमें बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी विल हैंडल फॉर नेक्स्ट 20 फिर 1813 में फिर 20 फिर 1833 20 1853 में वेरी इंसिडेंटली दे डिंट गिव अ पर्टिकुलर टाइम कि कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पोजेशन को हैंडल करेगी अब देखो इनको फ्यूचर दिखता थोड़ी ना कि अठारह में विद्रोह होने वाला है इट जस्ट सो कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं बताया था अनलाइक प्रीवियस चार्टर जो कि हमेशा 20 साल एक्सटेंड किया करते थे सो so, मतलब कि वियर्डली पता चल चुका था कि कंपनी का जो रूल है एक्चुअली में टर्मिनेट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी बिकॉज दे हैड नो आइडिया रिवोल्ट इज कमिंग ठीक है एंड इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल सत्रह से लेके 1853 तक जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी उसमें चार लोग हुआ करते थे को अलग कर दिया कि बनाओ भाई, तुम होने चाहिए। और वो जो चार लोग थे वो लोकल होंगे एक बंगाल से आएगा एक मद्रास से आएगा मतलब अंग्रेजी होंगे वो बंगाल के डिपार्टमेंट में काम करता हुआ एक मद्रास के डिपार्टमेंट में काम करता हुआ सो लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट्स इन 1853 सिक्स न्यू लेजिस्लेटिव गवर्नर जनरल मद्रास बॉम्बे बंगाल और आगरा सो जिसविजन एक छोटा रिवाइज कहीं ज्यादा ना हो जाए हमने क्या कर लिया इसके आगे आने वाले और ओवरवेलमिंग है जैसे ही बेसिकली ओवरवेल माए ऑलवेज गो एंड ड्रिंक सम वाटर वाटर का ड्रिंक कैटरिंग एक्ट ऑफ 1773 गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट बना दी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो प्राइवेटली ट्रेड नहीं करेंगे बिजनेस वो नहीं करा करेंगे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन कंपनी बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आ गया फिर सत्रह में कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस कम हो गए सिस्टम हटा दिया डबल गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया डबल तीन वर्ड है ड्यूअल गवर्नमेंट डबल गवर्नमेंट और डायर ठीक है

I think we are pretty sure about it. What happened in 1857, first war of India, first war of independence of India. Well, people revolted. इनके पिछले 1773 से 1857 तक का जो रूल था, वो जो build up होता रहता राइट? इनका जो discontent था, वो और भी ज़्यादा build up होता रहा उतारा, and all that came at four in 1857. Uh, ज ए पार्ट दैट इज डिस्कशन फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री की क्या रीजन थे uh, 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 दोबारा से ऐसा रिवोल्ट ना हो ठीक है और उस रिवोल्ट तो उसका सबसे पहले स्टेप यह था कि अट्ठारह सो अट्ठावन में एटीन हंड्रेड फिफ्टी एट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लिक्विडेट कर दिया दैट इज कॉल्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 हंड्रेड फिफ्टी एट ठीक रिवोल्टीन हंड्रेड फिफ्टी हुआ था इस एक्ट को कहते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द द गुड लुक एट एरोगेंस ऑफ ब्रिटिशर्स दे आर कॉलिंग इट द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट इससे पहले बेकार चल रही है डेढ़ सौ साल से अब ये गुड करेंगे और इन्होंने अगले साल में भी फिर कुछ अगले सौ साल में भी कुछ गुड एरोगेंस ईस्ट so एक एक इंडिया को अब जितनी भी पावर थी गवर्नमेंट की और रेवेन्यू वो सारे के सारे गए। Crown, महीने के, पस, साल के पांच लाख मिला करते तो तो तिरानवे में, में पांच लाख मिलते तो बढ़ तो भी गए होंगे लेकिन अब सब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन हंड्रेड फिफ्टी एट में दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें हुई है ठीक है सबसे पहले पढ़ेंगे पहले एक्ट ने कंपनी को हटा दिया अब उनका कोई लेना देना नहीं हुआ ठीक है दूसरा अब क्योंकि कंपनी हट गई है तो उनको बदला जाएगा देखो किसी कंपनी का हेड कहलाता है सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेकिन देश का हेड कहलाता है प्राइम मिनिस्टर सो डेजिग्नेशन चेंज होती है राइट नाम से पता चल जाता है कि ये प्राइवेट आदमी है ये बेसिकली सरकारी आदमी है सो so इन्होंने डेजिग्नेशन चेंज की जिस इंडिविजुअल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते थे अब उसको कहेंगे वाइस रॉय

एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी का और उसके बाद साइड और साइड एक और है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो ये दोनों हैंडल कर रहे हैं ना इंडिया को हटा दिया गया। कि हम देखेंगे। इन्होंने एक नया सिस्टम, सिस्टम बता किया पूर का पूरा शो यू सिस्टम वोट द डेड इज द डेड इज की प्री एटीन हंड्रेड 1858 का देखते हैं तो सबसे पहले क्या चल रहा है 1858 से के लेफ्ट में और 1858 के राइट में ठीक है सो किंग एक्चुअली है यहां पे क्राउन इज द मेन पावर लेकिन ना ये जीरो इन्वॉल्वमेंट है इसकी वो कंप्लीटली साइड में बैठा हुआ है इसके बिहाफ पे इसके बिहाफ पे कंप्लीटली नॉन इन्वॉल्वमेंट है उसकी ठीक है सबसे पहले है बोर्ड ऑफ कंट्रोल काइंड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ये लोग हैंडल करते हैं ये दोनों इंग्लैंड में रहते हैं इन दोनों को करता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब इसको पहले बंगाल का कहते थे लेकिन फिर बाद में बड़ा हो गया इंडिया वाला हो गया और इसके नीचे है गवर्नर अलग अलग गवर्नर

दिस पर्सन डरेक्टली स्टार्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ऐड कर देते हैं एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं पार्लियामेंट ऐड करते हैं so, पे फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आएगी तो पहले यहां पे पार्लियामेंट आएगा एंड देन देन कम्स कम्स गवर्नमेंट ऑफ कंट्रोल ठीक है दिस इज दिस्टम अब ईस्ट इंडिया कंपनी गई तो ये लोग जाने वाले हैं अब होना क्या होगा अट्ठारह के एक्ट में क्या करते हैं कि पहले तो सबसे पहले मैं आ गया क्राउन आई एम ऑन द किंग आज से मेरा इंडिया पूरा का पूरा ओके ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो मेरे नाम पे काम करता है मेरे लिए करता है ओके okay. पार्लियामेंट में एक इंडिविजुअल होगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहेंगे उसको आज के बाद हम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ठीक है तो so पार्लियामेंट से गवर्नमेंट बनती है और उस गवर्नमेंट में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होगा ये इंडिविजुअल आज से इंडिया को हैंडल करेगा ठीक है लेकिन वो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है आज से उसका नाम बदल दो एंड दैट्स रॉय वाइस रॉय अब इसको सबके सब रिपोर्ट करेंगे वो जो छोटे छोटे गवर्नर है अलग अलग प्रोविंसेस के छोटे छोटे गवर्नर जो है और ये इसको भी इसके साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा सो वाइस रॉय डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन किंग को डायरेक्टली फोन कर सकता था उसमें फोन नहीं होते थे मतलब दोस्ती यारी थी इनकी मोहब्बत एक दूसरे से मतलब डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव द ऑफ लेकिन किंग ने ही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को पावर दिया कि तुम अब सब कुछ हैंडल करो और इसकी एक पंद्रह लोगों की काउंसिल फिफ्टीन मेंबर काउंसिल फिफ्टीन मेंबर पंद्रह लोगों की काउंसिल नाउ इन एटीन हंड्रेड फिफ्टी एट दिस इज बेसिकली द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ये हम देख रहे हैं चलते करें आगे चलिए ग्रेट जस्ट इन केस अगर आपको याद रखना हो रखना भी चाहिए एक्चुअली में क्यों ये जो फर्स्ट सेक्रेटरी है कौन है भाई इंडिया का चार्ल्स वुड है ना चलिए एंड हुई फर्स्ट वाइस रॉय गाइस लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन तो क्या किया इन्होंने वॉज टू बी गवर्न बाय नेम ऑफ हर मेजिस्ट्री गवर्नर जनरल की डेजिग्नेशन को बदल के वाइस रॉय कर दिया डायरेक्ट है ब्रिटिश क्राउन का लॉर्ड कैनिंग एक्चुअली में पहले वाइस रॉय बन गए और इन्होंने वो का सिस्टम भी गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी ठीक है तो दोनों खत्म सीधा राजा महामारा की बात एक नया ऑफिस बना सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया जिसके पास कंप्लीट ऑथॉरिटी थी कंप्लीट कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बेसिकली ब्रिटिश कैबिनेट यानी मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे अमित शाह जी हैं इस समय राइट होम मिनिस्टर या फिर निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर तो वो कैबिनेट के मेंबर है तो उनमें से किसी एक को सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बना दो इंग्लैंड का इस प्रकार से वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश और इसी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की एक पंद्रह मेंबर काउंसिल हुआ करती थी जो कि उसको एडवाइजरी बॉडी थी ड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल एज बॉडी कॉर्पोरेट के एक्ट ऑफ फिफ्टी एट हाँ बस इसके अलावा ज्यादा कोई मेजर फंडामेंटल डिफ्रेंस नहीं किया गया मतलब बस ऊपर का स्ट्रक्च बदला था एटीन फिफ्टी एट दैट वॉज इट गुड टू गो आई होप सो परफेक्टली ऑल राइट चलिए लेट्स गो इन दब ध्यान से सुनिए क्या होगा नेक्स्ट में क्या होगा कि अब कितने लॉर है टोटल करने के बाद एटीन सिक्सटी वन 1892 और 1909 तीन लॉज यहां पे आते हैं जिनको कहते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट क्योंकि अब जो इन तीनों लॉ का पर्पस होगा वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें चेंजेस करना होगा तो इसीलिए इनको इंडियन काउंसिल्स एक्ट कहते हैं एंड उसके बाद दो इंपॉर्टेंट वाले 1919 और नाइनटीन ये भी काउंसिल्स में एक्ट करते हैं लेकिन इनका स्कोप और भी ज्यादा बड़ा था तो इसलिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है सो so ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड देन उसके बाद एक लास्ट 1947 करना हमें वही है अब 1861 में क्या होता है देखो इंटरेस्टिंगलीकेटीन सिक्सटी वाइट ठीक है तो नाउ इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क सबसे पहले इट मेड द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस हुआ क्या है देखो मैं बताता हूं रह गया ये हाँ. देखो 1853 में जो गवर्नर जनरल ऑफ दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कहते हैं अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या हुई है इस में? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हुआ लोकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ये बॉम्बे मद्रास आगरा के भी जो लोग हैं उनको इंक्लूड कर दो अब हुई है 1861 में इंडियन रिप्रेजेंटेशन इंडियन रिप्रेजेंटेशन कि यार वो जो लोकल लोग हैं ना उसमें चाहो तो किसी इंडियन को भी ऐड कर लेना एंड लॉर्ड कैनिंग एडेड थ्री इंडियंस छह लोग हैं इसके अंदर अभी ज्यादा नहीं है छह लोग हैं उसमें से इंडियंस को ऐड कर सकते थे जितने भी चाहे दिस वन इज नॉट टच ये अभी तक भी टच नहीं हुआ यह उन्नीस सौ में बदलेगी ये 1909 में ये अभी तक टच नहीं हुआ एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंडियंस का कोई रोल नहीं है पर लॉ मेकिंग में हमारा थोड़ा सा रोल आ चुका है नाउ स्पेसिफिकली सो लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग ने कैनिंग का जलवा हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग का भोकाल था उस समय तो लॉर्ड कैनिंग उस समय वाइस रॉय थे इंडिया के यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्होंने तीन इंडियंस को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में लिया again.

हम पहले देखते हैं कि पावर ना ऊपर जा रही है सारी की सारी और 1833 में तो सारी की सारी विलियम बेंटिक के पास चली गई एक ही रिवर्स प्रोसेस बिगिनट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है धीरे धीरे पावर थोड़ी थोड़ी देंगे इंडियंस को डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है सो बाय डिट्रलाइजेशन बाय लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास ये 1833 में ले ली थी इनसे तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी खत्म हुई जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से स्टार्ट हुई थी और 1833 में सबसे टॉप पे पहुंच गई थी और अब लेजि धीरे धीरे बढ़ने लग गई और बल्कि जर्नी है कंप्लीट हो गई, तो गई वहां पर सबसे टॉप पे पहुंच गए और फिर एटीन से डिस होता है और पहुंच जाता है आजकल डिसेंट्रलाइज सिस्टम है मतलब हमारी जो स्टेट्स है वो ऑटोनोमस है ठीक है नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई बंगाल के लिए नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए पंजाब के लिए अट्ठारह सौ बासठ में तो आजकल हमारे यहाँ पे स्टेट में विधानसभा होती है ना तो ये देखो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनना स्टार्ट हो गई हैं एटीन में वाइस को रूल बनाने का अधिकार था मोर कन्वीनियंट एंड तो ये लॉर्ड कैनिंग दूरदर्शी आदमी था इन्होंने 1859 में इन्होंने क्या स्टार्ट किया पोर्टफोलियो सिस्टम ही like मेरे लेजिस्लेटिव काउंसिल में छह लोग हैं तो तुम एक एक काम संभालो तुम लॉ का काम संभालो तुम ये वाला पर्टिकुलर लो तुम डिफेंस का काम संभालो नाउ दिस टुडे

राज्यसभा सेशन में नहीं होटीन सो इंडियन एक्ट ऑफ काउंसिल अठारह सो इसठ के बाद फिर बानवे में आयाल कांग्रेस इज देयर सो सिंस एटीन सेवन सेवरल पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट कम अपन इंडिया पूना सार्वजनिक सभा British Indian Associations and Indian National Congress in 1885. All these political organizations have started demanding from Britishers more say and more participation in the British government or Indian administration to be more precise. British government, British Indian government, in the British Indian administration. So now, from here onwards, 1892, all these laws are in one way influenced by Congress. और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम उस समय की सिविल सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर रही है तो ये 1892 में लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं देखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया इसमें क्या ऐड किया गया इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन दी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम इस बात का अर्थ ये हुआ कि वो जो ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये गवर्नर जनरल है

इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी आए अब यहां पर दो प्रकार के लोग हैं जैसे वो इंडियन है राइट right? किसी इंडियन को महाराज पटियालो को ले लिया सर दिनकर राव को ले लिया ही इज नॉन ऑफिशियल पर्सन और ऑफिशियल ये जो वर्ड है आप पढ़ेंगे जब कितने तो नॉन ऑफिशियल एंड ऑफिशियल ठीक है नॉन so ऑफिशियल का मतलब जैसे आ, ने सर दिनकर राव को ले लिया एंड ऑफिशियल का मतलब जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही बंदा है या मिलिट्री का बंदा है ठीक है तो नॉन ऑफिशियल मतलब कि जो कि जैसे कि इंडियन है या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है और ऑफिशियल मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय है या फिर उनकी मिलिट्री का पार्ट है सो so दिस 1892 में द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बट मेंटेनड द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम तो यहां पे 1892 में यहां पर और बढ़ गए 6 से 16 हो गए दिस हैपेंड 6 से 16 कर दिए छह से सोलह लेकिन उसके बावजूद भी ऑफिशियल मेंबर ही हमेशा मेजोरिटी में रहेंगे ऑफिशियल मेजोरिटी बनी रहेगी दोनों जगह पे इन दी सेंट्रल ऑल्सो एंड प्रोविंशियल ऑल्सो राइट गुड टू गो ओके अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात भी होनी है दो, दो देखना ध्यान से देना लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन बढ़ गए ठीक है वो क्वेश्चन एड्रेस कर सकते थे ना फर्स्ट टाइम कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो रेकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिसलेटिव काउंसिल एंड बंगाल कॉमर्स के बेसिस पर आ सकते थे वैपन ध्यान से सुनो क्या हो रहा है इंडियन रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई है सो so, बंगाल का सॉरी महाराजा ऑफ पटियाला है या राजा ऑफ बनारस है या सर दिनकर राव इनको किसने रेकमेंड किया, किया किसी को इसको वाइस ने चूज किया है। so,

That is इज first फर्स्ट सीड ऑफ in इन country. मतलब अब यहां पे पहली बार वाइस खुद चॉइस नहीं कर रहा है बाहर से आ रही है रेकमेंडेशन आ रही है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एक आधे रेकमेंडेशन पे आएंगे ऑन प्रोविंशियल लेजिसलेटिव काउंसिल तो सोलह मेंबर्स में से एक दो नॉन ऑफिशियल्स को दो तीनों को लोकल प्रोविंशियल काउंसिल्स बेसिकली रेकमेंड कर देंगे या फिर बंगाल का चेंबर ऑफ कॉमर्स रेकमेंड कर देगा first time, so this is this this is basically a limited and indirect provision for the use of election in filling up in both central and provincial legislative council the first time election the word the word is not used the word is definitely not used but yes the first time recommendation start ho hai. so sort of election like sort of not exactly per se but, but दिस इज द रीजन वाई पीपल लाइक गोपाल कृष्ण गोखले राइट गोपाल कृष्ण गोखले यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले है तो वो जो लोग थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे देवर एबल टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल दिस वे एंड देन द पोलिटिकल पावर द इंडियन नेशनल कांग्रेस बे मोर पोलिटिकल मोर पावरफुलट है Now, and we'll come to come. 1909 में क्या हुआ होगा अब उसका नाम भी इंडियन काउंसिल एक्ट है तो यहीं पे टच होगा तो ये इंडियन काउंसिल को 60 कर दिया 16 की बजाय 60 हमें कहा जाए हमें तो पांच और दो पे पहुंचे अभी तो सिर्फ साठ पे पहुंचे हैं तो ये अब बढ़ के इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या हुई स्ट्रेंथ साठ बढ़ जाएगी नाइनटीन हंड्रेड में और अब यहाँ पे दो भी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी एक तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा सच्ची मुच्ची का अब यहाँ पे एक्चुअली में इलेक्शन होंगे साठ लोग आ गए तो कहाँ कहाँ से चुनेगा सारे थोड़ी ना वाइस रॉय ले लेंगे तो एक आधे इलेक्शन से भी आने स्टार्ट हो जाएंगे सो दिस इज हाउ दिस इज व्हाट एवोल्यूशन इज वी आर लिटरली ट्राइंग टू मेक अ पार्लियामेंट हियर ये 1950 में पार्लियामेंट बन जाएगा सब कुछ बनके ओके कमा सो वी वी गो नेक्स्ट सो Yep, Act of 1909। उंसिल मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे तो बंगाल पार्टी है आगा खान फॉर सेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम एंडल्ट गोपाल कृष्ण गोखले ही इज ऑल्सो मीटिंग दिंटो एंड मॉर्ले इन लंडन ट्राइंग टू एंश्योर की उन्नीसो uh, नौ में दोबारा से एक लॉ पास करते हैं इसको मिर्लो मोरले सॉरी मिंटो मॉरले रिफॉर्म भी कहा जाता है दो पावर सेंटर है ना हमारे यहां पे दो पावर सेंटर है कौन कौन से दो पावर सेंटर है एक दो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है एंड द वाइस रॉय ठीक है थीके? तो मिंटो मतलब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मॉरले मतलब वाइस रॉय इसीलिए उन दोनों के नाम पे कहा जाता है मोरले मिंटो रिफॉर्म सॉरी मॉरले इज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फोटो दिख रही है ये लड़का मेरे पीछे मोरले इसका नाम ये मोरले

punches slightly Pinto seems like much more cooler to me than the Morley. So, uh, 1909 में British government एक नया law pass करती है उसको कहते हैं Indian Councils Act of 1909. Sometimes it's called as the Morley Minto reforms क्योंकि उस समय एक secretary of the state था एक voice रहा था. What it did? इसने सबसे पहले size of legislative council बढ़ा दिया. तो जो सेंट्रल थी उसका भी बढ़ा दिया काफी ज्यादा बढ़ा दिया 16 से 60 कर दिया और जो प्रोविंशियल थी उन सबका बढ़ा दिया बट सबके अलग अलग है तो हमें वो याद नहीं करने है, ठीक है तो सेंट्रल वाला 1660 सो बढ़ा दिया प्रोविंशियल सारी अलग अलग थी सबके सबके बढ़ा दिए इट रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविशियल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी अब देखो यहां पे दिस थिंग्स थिंग इंटरेस्टिंग एटीन नाइनटी टू में ऑफिशियल मेजोरिटी है सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल में भी नाइनटीन में सबसे पहले ये 16 से 60 हो गया ठीक है सीट्स तो हो गई है यहां पे सेंट्रल में ऑफिशियल मेजोरिटी बट रियर प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी अलाउ हो गई है अगर तुम देखोगे है क्या ये डेवल्यूशन? नीचे पावर्स दे रहे हैं धीरे धीरे है। चलो कर लो तुम कर लो तुम कर लो अभी मैं सेंट्रल में तुम्हें पावर नहीं देने वाला नीचे पावर देने लग रहे हैं कूल है सो ऑन एंड ऑन डिलिबरेटिव फंक्शन बढ़ा दिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के ठीक है लेजिस्टिव काउंसिल को थोड़ा सा और काम दे दिया गया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इट इट अलाउड द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑल्सो सो वट वी आर डीलिंग विद विदर इज दैट गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये वाली इस पे तो हम एटीन सिक्सटी वन से हैं इंडियन पर यह जो है अब इसमें पहली बार नाइनटीन नॉट नाइन में चले गए दिस इज फॉर दर्स्ट टाइम तो वी वर इन सेंस पार्टिसिपेटिंग इन लॉ मेकिंग फ्रॉम एटीन हंड्रेड सिक्सटी वन बट इन एक्चुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल हम नाइनटीन नॉट नाइन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ओके okay? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इज द फर्स्ट पर्सन जो कि बेसिकली ऑफ इंडियन फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन दी वॉइस रॉय एक्जीक्यूटिव काउंसिल

और उसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन मिले कि यह सिर्फ मुस्लिम्स की सीटें होंगी और सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और उस एरिया की जनता के सिर्फ मुस्लिम ही वोट करता है देखो वहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऐसा कुछ नहीं था कि सबको अधिकार है सब इक्वल है ऐसा अंग्रेजों को कुछ नहीं पता था मतलब अंग्रेज थोड़े से डम हुआ करते थे लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू दे हैड नो आइडिया कि इक्वलिटी और लिबर्टी कैसे करते हैं सो दे डिड दिस सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिए एक तो होता है रिजर्व सीट रिजर्व सीट का मतलब कि दिस सीट इज फॉर एन एस कैंडिडेट मतलब कि इलेक्शन कैंडिडेट जो है वो सिर्फ एस होगा द वोट सबके सब डालेंगे वहां पे जितने भी लोग रहते हैं दैट्स नोन एज सीट सेपरेट इलेक्टोरेट कि ये एरिया है ठीक है ये टेरिटरी है यहां से इलेक्शन कैंडिडेट भी मुस्लिम होंगे और वोट भी मुस्लिम डालेंगे तो मतलब बाकी कम्युनिटीज के जो लोग बैठे हुए हैं इलेक्शन वाले दिन देख रहे हैं कहां जा रहे हो तुम वोट करने हमें तो नहीं मिला किसको करोगे अप, मतलब सब मुस्लिम ठीक है मतलब हम क्या करें कुछ नहीं कैरम खेल लेते हम शाम को आओ हमारे साथ कैरम खेलोगे सो नाइनटीन नॉट नाइन में लीगलाइज हो गया था एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट ठीक है ग्रेट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंसी कॉर्पोरेशन सिंपल वाली बात है उन्नीसो नौ के दस साल के बाद दोबारा से एक हो रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसको भी इंडियन काउंसिल्स एक्ट कह सकते हैं ऐसा तो कोई गलत नहीं होगा पर इसका आ, इसका जो स्कोप था वो थोड़ा सा ज्यादा है ठीक है तो इसलिए इसको हम ज्यादा बेहतर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं दो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ठीक नोमेन कल्चर में ऐसा कुछ कंफ्यूजन मत रखना कि सर ये क्या चल रहा है कुछ अलग हो रहा है क्या नहीं अलग कुछ भी नहीं हो रहा है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है बट वे नॉट से फोकस सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव पे था इसका थोड़ा सा ज्यादा अगस्त बीस उन्नीस वर्ल्ड वॉर वन चल रही है ब्रिटिशर्स थोड़े से बैकफुट पे हैं तो हवा हवा में, फैला देते हैं। हवा, हवा में फैला देते हैं। कि हम एक्चुअली में, में क्यों है? हमारा है कि हम धीरे धीरे इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे हवाबाजी मार दी उन्होंने मतलब उस समय निकल गया से सॉरी बोलना चाहते होंगे बाद में इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ये लॉ लाते हैं गवर्नमेंट ऑफ नाइनटीन देखो वेन यू ऑब्जेक्टिव इज टू स्टेब्लिश और इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया इस बात का कहने का मतलब यह है कि जो भी इंडिया को गवर्न कर रहा होगा वो जरूरत पड़ने पर हटा दिया जा, जा सकता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब यह होता है कि यू कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट तो इनका पर्पज यह था कि हम इस प्रकार से सिस्टम बनाएंगे कि जरूरत पड़ने पर जो गवर्नमेंट हो वो रिस्पॉन्सिबल हो टू पार्लियामेंट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल टू मोर प्रसाइट ये बात इन्होंने 1917 में स्टेटमेंट बोली मॉन्टेग हमारा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हुआ करता था उसने बोली स्टेटमेंट अब उस समय वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था थोड़ा हवा हवा में निकल भी रही थी उससे बाद में लक्षण उनके दिखे नहीं ऐसा करेंगे लेकिन उस स्टेटमेंट के परसुएंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया सो so, उस एक्ट को कहते हैं मॉन्टेग मॉन्टेगोर्ड रिफॉर्म्स मॉन्टेग बाबा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और चैंसफोर्ड उस समय हमारे थे दे डिड सबसे पहले अब ध्यान से सुनना इट रिलैक्स देंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस और बढ़ता गया नेक्स्ट स्टेप आ गया कि पहले सेंट्रल को अब अभी आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जानते हो ना देर आर टू गवर्नमेंट इन दंट्री एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है एक है स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर और जो ये दोनों गवर्मेंट होती है ये जो पार्लियामेंट होता है और जो विधानसभा होती है इन दोनों में कंप्लीट डिमार्केशन है उसमें उस स्टेट गवर्नमेंट है।, है, उस है ये उन्नीस में स्टार्ट हो रहा है प्रोविंशियल सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट तो सेंट्रल और प्रोविशियल स्टार्टेड मेकिंग लॉ ऑन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट ठीक है जनरली पावर सेंट्रलाइज थी बट ये दिस थिंग एक्चुअली बिगेड और यहां पे हम जो बात कर रहे थे उसके बारे में बात करते हैं इट डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स ट्रांसफर्ड एंड द रिजर्व तीन वर्ड बताया था आपको एक था dual government, एक था double government, और एक एक और है डाय नहीं है वैसे इसको diarchy बोलना। बट इफ जस्ट इफ यू कैन एक्चुअली बोलना वैसे diarchy. Dual government क्या कहते हैं? ड्यूअल गवर्नमेंट है सत्रह से लेके सत्रह तक जो कि बंगाल में थी जो कि बंगाल में थी ठीक है उसका सिस्टम क्या था कि जो रेवेन्यू था और निजामत फंक्शंस यानी कि पुलिस के जो फंक्शंस थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय बंगाल का ये बंगाल का नवाब देखता था इन द लैंग्वेज ऑफ बस्सी कोई सेंस है इस बात की इसको कहते हैं ड्यूबल गवर्नमेंट डबल गवर्नमेंट स्टार्ट होती है 1784 से लेके 1858 तक उसको उसको डबल डबल गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्यों कहते है? उसको इसलिए कहते हैं हैं इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बंदे हैं और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बंदे हैं और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया

एक जिसको कहते हैं रिजर्व सब्जेक्ट अनदर जिसको कहते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्टर्व ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट तो रिजर्व सब्जेक्ट जो है इनको गवर्नर हैंडल करेगा पर्सनली अपने बंदों के साथ जैसे नॉर्मल सिस्टम चलता रहा है अपनी काउंसिल के साथ गवर्नर so, है उसकी काउंसिल है जैसे सेंट्रल में होता है वैसे ही तो ये अपना करेगा इनके साथ देन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इनको गवर्नर हैंडल करेगा बट ऑन दी एडवाइज ऑफ द मिनिस्टर्स भाई जितने भी प्रोविंसेस हैं, इनकी अपनी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल है ठीक है इनकी अपनी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी हुई है ठीक है इन प्रोविंशियल लेजिस्टिव काउंसिल बनी है 1909 में इन सबके नंबर्स भी बढ़ा दिए गए हैं सब्सटेंशली इन सबको बढ़ा दिया गया साइज बढ़ा दिया गया जैसे सेंट्रल का सोलह से साठ हुआ था तो प्रोविसेज है प्रोविसेज उस समय मद्रास का प्रोविंस है या फिर बॉम्बे प्रोविंस है बंगाल प्रोविंस है आगरा प्रोविंस है तो उनका बेसिकली क्या है उनकी खुद की भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी हुई उनके साइज बढ़ा दिए उनके मिनिस्टर्स भी बने हुए चीजों को हैंडल हैंडल करने करने के के लिए, लिए। काम को करने के लिए। अब 1919 में क्या प्लान लाते हैं, कि दो कि दो लिस्ट बना दी, गवर्नर करेगा सब्जेक्ट्स जिनको बेसिकली गवर्नर हैंडल करेगा बट मिनिस्टर्स की हेल्प इंट्रोड्यूस मेंस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट

परमानेंटली मिनिस्टर्स के हैंड में की की। था था। तो गवर्नर विल गवर्न ऑन द मिनिस्टर्स एंड इन हैंड ऑफ दिस उन्नीस सौ उन्नीस में इंट्रोड्यूस की गई थी हमें उन्नीस सौ पैंतीस में यह प्रोविंसिस से हटा देंगे डायर की और उसको सेंट्रल में ले आएंगे में में हट जाएगा ये और सेंटर में ले आएंगे ठीक है आ, लेकिन वहाँ पे कभी एप्लीकेबल अप्लिके, नहीं हुई मतलब तो ऐड किया है लॉ में है कभी कभी चला मतलब ऑन नहीं है? so, so, देखते हैं तो पहले तो आए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट देवर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू काउंसिल तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को

ये यहाँ पे और 1919 में आ जाओ अब यहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस डू यू सी हाउ स्लो दिस थिंग्स एक्चुअली हैपन समी हेज लेफ्ट ए फोन समवेयर अराउंड नो सो नेवर द लेस नाइनटीन 1919 के डायरेक्ट इलेक्शंस बन गए ग्रेट उंसिल वॉज रिप्लेस बाई दैमरल जिसके अंदर एक काउंसिल ऑफ द स्टेट और एक लोअर हाउस बन गयाउंसिल तो था अब इसके दो हाउसेज भी बना दिए गए हैं अपर हाउस एंड द लोअर हाउस नॉट बैड रिक्वायर द्री ऑफ दिक्कस टू बी इंडियन और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्नीस सौ नौ में जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एड करने लगे थे उसमें से अब तीन इंडियंस हुआ करेंगे सबको याद रहेगा कि 1909 में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम का सेपरेट इलेक्टोरेट बना था बट ध्यान रखने वाली, वाली बात है कि 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ा दिया गया था और यहां पे सिखों को क्योंकि किसी को यह मुस्लिम क्योंकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ना मुस्लिम से याद हो जाती है कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई बट 1919 में सिख को भी सिख्स को भी सेपरेट इलेक्ट्रेट मिला था इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दिया था एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया था और यूरोपियंस को भी sure कि ये एक दिन यूरोपियोर का क्वेश्चन बनता बनता ही है है अभी तक तो नहीं पूछा गया बट वन डे और ठीक इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन अगर आपके पास पैसा था अगर आप टैक्स भरते थे और अगर आप पढ़े लिखे लोग थे तो शायद आपको वोट करने का थोड़ा बहुत अधिकार मिल जाता था फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहे हैं ना तो फ्रेंचाइज तो देनी पड़ेगी सबको नहीं दिया अनपढ़ लोगों को नहीं देते थे

कोई खास काम नहीं है इसका सिर्फ ये सिर्फ याद रखना इसका दोबारा कोई रेफरेंस आएगा नहीं जिंदगी में ठीक है कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया है लंदन में इसका कोई दोबारा रेफरेंस नहीं है बट याद रखना कि 1919 में तीन बंदे हो गए हैं इंडिया के काम को देखने के लिए ठीक है इट एस्टैब्लिश फॉर अ पब्लिक सर्विस कमीशन आपका यूपीएससी यहीं बना है उन्नीस वाले से एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना उन्नीस में ये बाद में बड़ा होकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बन जाएगा फर्स्ट टाइम प्रोविशियल बजट फ्रॉम सेंटर छोड़िए प्रोवाइडेडमेंट ऑफ स्टैटरी कमीशन टू इनक्र इन टू यूजली वो इतफाक से पहले हम दस बीस साल बाद खुद कर देते थे बट नाइनटीन नाइनटीन के मॉन्टेक चैंसपोर्ट रिफॉर्म्स के अंदर ही लिख दिया था कि हम अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दे रहे हैं दस साल के बाद एक नया कमीशन बनाएंगे और उस कमीशन वो रिपोर्ट करेगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अच्छे थे या नहीं थे ठीक है तो पहले इट अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन यानी लॉ ने पहले ही कमीशन स्टैट्यूटरी मतलब तो बने बनेगा दस साल के बाद टू तो इंक्वायर इंटू एंड रिपोर्ट इन द वर्किंग ऑफ टेन तो दस साल तक चलने दो तो ये मॉन्टेक चैंस फॉर रिफॉर्म फिर एक कमीशन बनाना वो इसकी वर्किंग को कि दस साल में इसने क्या पाया क्या खोया उसके बारे में डिस्कस होगा दिस इज

जॉन साइमन एंड स्कॉल्ड एज द साइमन आप मालूम है एक सिंपल कॉन्ट्रोवर्सी थी सातों के सातों गोरे चिट्टे लड़के थे मतलब सारे के सारे इंग्लैंड के थे ऐसा कमीशन जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को रेकमेंड करने वाला है उसके अंदर एक भारतीय नहीं भाई ये मॉन्टेग 1917 में किस बात पे फिर हवाबाजी मार रहा था हमें कि हम तो रिस्पांसिबल गवर्नमेंट कर देंगे सो कमीशन ऑब्वियसली Uh, वो अच्छा दैट पार्ट बिलोंग्स टू मॉडर्न हिस्ट्री वो अपोज uh, होता है कमीशन एंड देयर वाज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट दिस साइमन गो बैक वाली बलनेवर दलेस सो साइमन कमीशन फाइनली डिड सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1930 ठीक है और इन्होंने कुछ-कुछ रेकमेंडेशन -कुछ दी साइमन कमीशन ने उन्होंने कहा कि ये डायरकी बकवास है किसका आईडिया वहायात था ये कि ऐसे डायरकी करके हटाओ इसको व्हिच डिड

1927 में साइमन कमीशन आया था और 1930 में साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई पहली दूसरी तीसरी पहली में कांग्रेस नहीं थी तीसरी में कांग्रेस नहीं थी दूसरे वाली अटेंड की थी लेकिन उसका बेसिकली जो फंडामेंटली इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट आया उसको बेसिकली इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी बना दिया इस डिस्कशन को राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंसिस के डिस्कशन की समरी को क्रक्स को कहते हैं व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी को सबमिट कर दिया गया एंड वर फाइनली टेकन अकाउंट और 1935 बना दिया गया। कर लेते हैं एक्ट नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन आया है इसमें लिखा हुआ है कि दस साल के बाद एक नया कमीशन बनाया जाएगा दो साल पहले बना देते हैं साइमन कमीशन जिसका पर्पस रेकमेंड स्टडी करना था और रेकमेंड करना था दिस ड्यूड सबमिटेड सबमिट्स इज रिपोर्ट इन 1930 ठीक है 1930 में इसने रिपोर्ट कर दिया इसके बेसिस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ठीक है इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बेसिस पर एक वाइट पेपर ऑन मतलब वाइट पेपर ऐसा नहीं था कि, किसी को ऐसा लग रहा हो दिस इज द्हाइट पेपर ऐसा कुछ नहीं था व्हाइट पेपर का सिंपल डॉक्यूमेंट बना दिए हमने सारी की सारी डिस्कशन पेज करने बिकॉज आई एम पीडी श्योर अबाउट इट वन ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग दिस वाज सबमिटेड टू दार्लियामेंट टेल मी खाली कोरेपन ने देखा था व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड टू दी जॉइंट सेलेक्ट कमेटी जॉइंट सेलेक्ट कमेटी क्या होती है सेलेक्ट कमेटी मतलब कि वहां पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनकी गवर्नमेंट और अपोजिशन के भी कुछ मेंबर्स तो एक कमेटी बिठा दी उन्होंने ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड देन on the basis of this they made government of india act of 1935 which is a big long lengthy act indian constitution ka more than 55 to 60% of the part comes from the, this is the 60% of indian constitution almost or so it cool so let us see what happens next के बारे में हम मॉडर्निस्ट्री के बारे में बात करेंगे so, so, uh, so इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इतना बड़ा था चलिए क्या करते हैं और यहां पर थोड़ा सा वियर्ड है ठीक है कोई कुछ आइडिया बड़े अजीब से लगते हैं

और स्टेट्स प्रोविंसेस के बीच में इन्होंने पावर्स को डिफाइन कर दिया कि देखो सेंटर इस लिस्ट में बने हुई चीजों पर लॉ बनाया करेगा और प्रोविंशियल लिस्ट अपनी प्रोविंसेस के बेसिस बनाया करेगा थोड़ी सी कॉमन कर दी थी कंकरेंट लिस्ट और रेजिडरी पावर वर गिवन टू दी वाइस रॉय रेडिकल मतलब इफ दिस वैव बिन इंप्लीमेंटेड वी वुड इनली डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री बट क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट माने ही नहीं so this thing never came into effect. so india would have been a true federation like united states of america if government of india act ka ye wala jo, uh, keana, provision tha, agar ye force mein it never did. now i I don't know like, but, like obviously we won't be able to judge whether this was a good thing or this was a bad thing. So, but yeah, it didn't come. So, the, uh, we, we follow the same system. you know, there, are, there is a list.

So, that Montague's 1917 ka jo statement, tha, they are actually now trying to come true to that. So, itni most probably hawabaji nahi thi. But had good. Kar rahe tha, yeah. Provinces were allowed to act. Moreover, act introduced responsible government in provinces. That is, governor was required to act with the advice of ministers. Wow! Oh, that is interesting. That is definitely. So, they did introduce the responsible government in 1935, only for 2 years.

फिर टल बट उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि सेंटर में मत करो अच्छा लकीली ये भी इंप्लीमेंटली हुआ दिस प्रोविजन ऑल्सो डिड नॉट कम कि एक्ट बना के चला चल कुछ नहीं रहा इनका ये वाला कभी नहीं चला ये वाला कभी नहीं चला तो कर क्या रहे थे? और ये वाला दो साल चला वॉट इज है आई डोंट नो पर्सनली आई डों इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्मिक्स आउट ऑफ इलेवन प्रोविसेज तो उन्नीस सौ पैंतीस में ग्यारह प्रोविसे जैसे अभी हमारी अट्ठाईस स्टेट है तो समझ लो उस समय ग्यारह स्टेट है और उसमें छह में बेसिकली बाइक कैमरल कर दिया पहले तो सेंट्रल में तो उन्नीस सौ उन्नीस में कर दिया है राइट अब स्टेट में भी बाइक कैमरलिज्म कर दिया है तो बंगाल बॉम्बे मद्रास बिहार असम यूनाइटेड प्रोविसेज को बाइक कैमरल बना दिया लॉजिकली देखना अभी भी वहीं पर ही बाइक कैमरल है मतलब कि बंगाल ने तो हटा दिया लेकिन अगर देखोगे उत्तर प्रदेश का बाइक कैमरल है

control the currency and the credit of the country control the currency and the credit of the country this seems like a tongue twister because there are so many current control the currency and the credit of the country control the currency and the credit of the country control the currency and the credit of the country control the currency and the credit of the country because it is a tongue twister come on control the currency of the credit say it loud with me so 1935 act actually established the control the currency and the credit of the country control the currency and the credit of the country credit of the country and the currency of the control control currency

That was cool. so, पढ़ लेना से, थोड़ा सा और द्यान द्यान देना। इसके ऊपर हम बाद में भी डिस्कस करेंगे 1935 का ये एक्ट चला था उन्नीस इन दर्ल्ड वॉर टू ब्रिटिश टू लीव द्री एंड ऑफ प्रोसेस टू दैट की बेसिकली उनको बनाई थी लॉर्ड ऑफ सर्कमस्टेंसिस विच विल स्टडी इन मॉडर्निस्ट्री इन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सेवन जुलाई उन्नीस को Of of उन्होंने बोला मतलब भोकाल दे दिया तीस जून उन्नीस सौ अड़तालीस को ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ देंगे चाहे कैसे भी हो हम जा रहे हैं बस मतलब

कि देश को दो भागों में विभाजन कर देना चाहिए जिसको माउंट बैटन प्लान कहते हैं जैसे ही वो वो माने प्लान के लिए ये बैठे थे अंग्रेज, वो वो तो निकलो इधर से जितनी जल्दी हो सके प्लान वाज एक्सेप्टेड इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू दी प्लान बाय इन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तो तीन जून को पार्टीशन प्लान आया है, 18 जुलाई को लॉ पास करके चैप्टर खत्म कर दिया इन्होंने तो 18 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया तो वी न्यू आवर इंडिपेंडेंस डेट ऑन 18th ऑफ जुलाई इट एंडेड द ब्रिटिश रूल एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम ऑगस्ट 15 1947 और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है Provided for the partition of India and the creation of two independent dominions of India and Pakistan with the right to secede from the British commonwealth. So, this will be applicable from the 15th of August. Now, I have, this, is, this, this has always been a problem with me. Indian Independence Day is 15th of August, and for certain unknown weird reasons, Pakistan celebrates it on the 14th of August. Now, remember, there was no Pakistan on 14th of August. Why? Because Pakistan was created on 15th of August according to this act of the British Parliament. So, ki independence? Manai? Rather, pehla independence August. Tha. The, 1947, they celebrated Independence Day on, on 15th of August.

ठीक है तुम्हें अलग अलग दिन चाहिए था खुश हो लेके बट 14th यू डोंट इवन बी योर बर्थ यू नो इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने ऑफिस ऑफ वाइस रॉय हटा दिया हर एक डोमिनियन को दोबारा से गवर्नर जनरल दे दिया नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी थी हमने वो वो नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सिक्स मेंंड्रेड फोर्टी सिक्स में हमने बना दी थी कॉन्स्टूट असेंबली तो दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी ये वो इस एक्ट में लिख दी गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पावर दे दी थी कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए तुम लॉ बना लेना एंड नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्टर ऑगस्ट फिफ्टीन नाइनटीन फोर्टी सेवन टू एक्सटेंड तो 15 अगस्त उन्नीस के बाद पार, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर लागू नहीं होगा ठीक है स्टेट्स के ऊपर से और इंडिया सारे के सारे से ब्रिटिश पैरामाउन सी खत्म जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको ऑब्वियसली अधिकार मिल गया था कि वो चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकती हैं चाहे तो बेसिकली भारत को ज्वाइन कर सकती है और चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकती है मतलब इतना भी अच्छा लॉ बनाना आता नहीं था इनको थोड़ा तो मतलब हा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ नाइनटीन में लिखा था कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए

Emperor of India जो Britain के राजा को कहा जाते थे वो title उसके वहां से हटा लिया अच्छा एक अब बताते उसको Emperor। and that probably you know obviously 15th august of 1947 uh, the british rule came to an end power was transferred to the new two independent dominions of india and pakistan lord mount batten became the first governor general of the new dominion of india lord mount batten ke bare mein aap jante honge jawaharlal nehru ji ki unki

जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया एंड जैसे ही पंद्रह अगस्त उन्नीस को जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर बनते तो कल का चैप्टर वो असेंबली संविधान सभा बना दी गई थी एंड फ्रॉम अगस्ट ऑफ नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि पिछले साल दिसंबर में बनी थी उसको बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट बना दिया गया था कैलखत्ता

डेली क्राउड इन फेस्टिव मूड मे बॉम्बे प्रेस प्रॉस्पर हिंदुस्तान टाइम्स दिस इज न्यू डेली सब किनारों में एक कलकत्ता का लाया था एक मद्रास बॉम्बे का लाया था दिल्ली का तीन दिन का लाना था न्यू डेली फ्राइडे इंडिया इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल एंड न्यू स्टार राइजेस इन द ईस्ट पाकिस्तान का भी लाना बनता था जब मैं अपने पूरे उसका भी बनता उनकी भी तो उनकी आजादी ना डॉन बर्थ ऑफ ए पाकिस्तान इवेंट इन द न्यूज पेपर द पाकिस्तान का न्यूज पेपर जो डॉन है वो बोल रहा है उनका उनका इंडिपेंडेंस न्यूज पेपर पंद्रह अगस्त का है तो चौदह अगस्त को जब हैंड प्रूव फोर्टींथ अगस्त कैन नॉट बी सेलिब्रेटेड एज पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे योर न्यूज पेपर द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट फॉर दैट थ ऑगस्ट ये चौदह को छाप नहीं सकते थे अरे भाई तुम सोलह ले सकते थे नहीं तुमसे पहले तुमसे पहले एग्जिस्ट कांट एक्सप्लेन टू दिनी लड़ाई थी ना दो सौ साल की लिस फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया Our Indian national movement purpose. The whole purpose of that Indian national movement is to basically make this document. The whole idea was this. We are gonna decide our own destiny. We are gonna live the way we want, we are gonna govern ourselves, we are gonna give rights to ourselves, and we will decide our own destiny. The Britishers or the foreigners or anybody from external land would not decide that we'll do it on our own. this is what the revolts, this is what the rebellion of 1857 was about, this is what the whole indian national movement was about. and finally, that culminated. and when it was culminated, when we got that independence, when we got that freedom, we were given a task. the constituent assembly was given a task to prepare a document. and we did. it's called as the constitution of india. how? why? वेन हु कैसे बना क्या बनाया उसके छोटे से अकेडमिक न्यूएंस जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दैट वुड डन इन द नेक्स्ट लेक्चर क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी राइट दिस वॉज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यार ये हिस्ट्री थी हमारे संविधान की तो अभी तक हम संविधान के बारे में पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट नहीं किए हैं कल भी हम संविधान के बारे में नहीं पढ़ेंगे कल हम सिर्फ ये देखेंगे कि संविधान बना कैसे था फ्रॉम नेक्स्ट आफ्टर दैट देन विल एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग की

आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू अगर आप यू पी एस सी का प्रिपरेशन कर रहे हैं सो अगर आपको यू पी एस सी का पूरा पूरा सिलेबस करना है तो यू कैन ज्वाइन दू पी एस सी स्टडी आई क्यू कोर्सेज अगर आपको यू पी एस सी का पूरा का पूरा कम्पलीट कॉम्प्रसिव पैकेज चाहिए जो कि प्रिलिम्स के एम सी क्यूज प्रिपेयर करा सके जो आपकी मेन्स की आंसर राइटिंग करा सके हुसो टेक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियली ऑफ यूर मेन्स प्रिपरेशन सो आप स्टडी आई क्यू का कोई भी यू पी एस सी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं And if you clear prelims, uh, we will uh, pay for your means preparation. That is basically the idea. When you join the course, uh, I think by now you know, you can use this code, which is just Amit Live. You can also tell it to your friends also. You know, basically, you can tell it to anyone, to be honest. And about the PDF, as I remembered, you can take the PDF. On this Telegram channel, and in case you need to message me, and if you need to, t if you, if you just do need to tell me, so this was an outstandingly, awesomely, brilliant class. Study if you feel so. If you don't feel so, it's fine. I'll see you tomorrow.